नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग का रिवीजन। तो जो मैंने आपको नोट्स बनवाए थे क्लास में वो आप ओपन कर लो। अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग का रिवीजन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा अपन फ्यूचर के लिए करते हैं। करंट सिचुएशन को देख के फ्यूचर के लिए अपन डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे आप मान लो 10th पास की थी आपने, उसके बाद आपने डिसीजन मेकिंग करी कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, अपनी कैपेसिटी को देख के, अपनी नॉलेज को देख के, अपने इंटरेस्ट को देख के। ऐसे ही जब आप सीए बन जाओगे तो आप डिसीजन मेकिंग करोगे कि आपको आगे फ्यूचर में जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है या फर्दर स्टडीज़ करनी है। कैसे करोगे? करंट सिचुएशन को देख के कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी नॉलेज क्या है या आपका इंटरेस्ट क्या है, ये देख के आप हमेशा फ्यूचर के लिए क्या करते हो? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है करंट सिचुएशन को देख के। इसके बाद अपने डिसीजन मेकिंग में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अलग अलग कॉस्ट यूज़ होती हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती हैं जो अपने डिसीजन मेकिंग के बेसिक में देखा था। सबसे पहली कॉस्ट देखी थी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और आपके फ्यूचर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है और आपके फ्यूचर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे मान लो आप सीए बन गए तो सीए बनने के लिए आपने काफ़ी सारी कॉस्ट इनकर्ड करी थी। जैसे सीए की रजिस्ट्रेशन फीस दी थी, कोचिंग फीस दी थी, जीएमसी की फीस दी थी, एडवांस आईटीटी की फीस दी थी। तो ये फीस इनकर्ड हो चुकी है। अब आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको जॉब करनी है। तो चाहे आप प्रैक्टिस करो चाहे जॉब करो, वो कॉस्ट आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। प्रैक्टिस करोगे तो भी लग चुकी, जॉब करोगे तो भी लग चुकी। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो आपके फ्यूचर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है संक कॉस्ट, दूसरी होती है कमिटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? जो ऑलरेडी इनकर्ड भी हो चुकी है और पे भी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इनकर्ड भी हो चुकी है और आप पे भी कर चुके हैं, वो होती है संक कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? इनकर्ड तो हो चुकी लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, इनकर्ड हो चुकी लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, ये होती है कमिटेड कॉस्ट। दोनों की दोनों क्या होती है? इररिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग में। दोनों की दोनों क्या होती है? इररिलेवेंट। सीए फाइनल में, एससीएमपी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एससीएमपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दोनों कॉस्ट को आपको क्या करना है? इररिलेवेंट करना, मतलब इग्नोर करना है। इसके एग्जाम्पल थे रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब क्या होती हैं? संक कॉस्ट। लेकिन ये ऑलरेडी इनकर्ड हुई हैं तो ही संक कॉस्ट होती हैं। मान लो रिसर्च कॉस्ट टू भी इनकर्ड दे रखा है, रिसर्च कॉस्ट टू भी इनकर्ड, तो वो संक कॉस्ट नहीं होगी। रिसर्च कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है तो ही संक कॉस्ट होगी। ऐसे ही डेवलपमेंट कॉस्ट टू भी इनकर्ड दे रखा है तो वो संक कॉस्ट नहीं होगी। ऑलरेडी इनकर्ड हुई है तो ही संक कॉस्ट या कमिटेड कॉस्ट मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। और अगर क्वेश्चन में ये कॉस्ट दे रखी है ऑलरेडी इनकर्ड वाली, तो क्या मानी, क्या करोगे उनको? उनको आपको इग्नोर करना है। किसी भी क्वेश्चन में ये कॉस्ट दे रखी है आपको क्या करना है? उनको पूरा का पूरा इग्नोर करना है, मतलब उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, वो इररिलेवेंट होती है। इसके बाद दूसरी कॉस्ट अपने देखी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आपके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, आपने उनको रिजेक्ट करके एक अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, उनको रिजेक्ट करके एक अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, तो आपने जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया, क्या फॉरगो किया? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। क्या वर्ड है यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, याद रखना। तो जो आपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, ये एक नोशनल कॉस्ट होती है। कैसी होती है? ये नोशनल कॉस्ट होती है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा क्या होती है? रेलिवेंट। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है तो उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर। ये हमेशा क्या होती है? रेलिवेंट। कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये हमेशा क्या होती है? रेलिवेंट। एक चैप्टर आएगा अपना चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर प्राइसिंग, वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके अपने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। जैसे एक एग्जाम्पल देखा था, आपने 5 लाख रुपये बिजनेस में लगा दिए। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो 5 लाख रुपये या तो बैंक में FD करवा देते या किसी को लोन दे देते और आपको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, 50,000 का इंटरेस्ट मिलता, तो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 50,000, क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट को क्या फॉरगो क्या कर दिया? फॉरगो कर दिया। इंटरेस्ट वाले अल्टरनेटिव को आपने क्या कर दिया? फॉरगो कर दिया। तो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 50,000। ये एक नोशनल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, नोशनल कॉस्ट होती है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया था, आपके पास 3 ऑफर आए थे। बिग फोर से 9 लाख का पैकेज का ऑफर आया था, MNC से 10 लाख के पैकेज का ऑफर आया था, गवर्नमेंट कंपनी से 7 लाख के पैकेज का ऑफर आया था। अब कोई पूछे कि प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो आपको 3 अल्टरनेटिव फॉरगो करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका कितना फॉरगो होगा? 9 का होगा, 10 का होगा या 7 का होगा? 10 लाख का। तो प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 10 लाख। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिया था अपन ने, आप मार्कर बनाते हो, कंट्रीब्यूशन होता है आपको 15,000 रुपये का। अब आपके पास एक पेन वाला ऑफर आया, पेन बनाने का ऑफर आया, जिससे कंट्रीब्यूशन आपको 11,000 का होगा, लेकिन पेन बनाने के लिए आपको मार्कर को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप पेन बनाना चाहते हो तो आपको जो मार्कर बनाते हो ना उसको बंद करना पड़ेगा। तो बताओ पेन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? पेन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 15,000 रुपये, क्योंकि आपको मार्कर वाला अल्टरनेटिव क्या करना पड़ेगा? फॉरगो करना पड़ेगा। तो पेन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 15,000 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन का जो लॉस हुआ वो क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोर्थ है, आप के पास 3 प्रोडक्ट बनाने के ऑप्शन है, प्रोडक्ट ए, बी और सी। तीनों में से कोई सा भी एक बना सकते हो आप, या तो ए बना सकते हो या बी बना सकते हो या सी बना सकते हो। तीनों का कंट्रीब्यूशन दे रखा है। मान लो अगर आप ए बनाते हो तो ए को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपको बी और सी को फॉरगो करना पड़ेगा, बी और सी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो कितना कंट्रीब्यूशन फॉरगो होगा आपका? 18 या 25, मैक्सिमम कितना होगा? 25। अगर आप बी बनाते हो तो आपको ए और सी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो कितने का लॉस होगा? 20 और 25।
अगर आप सी बनाते हो तो आपको ए और बी को फॉरगो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितने का लॉस होगा, 20 और 18, 20। इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। क्या होता है इसका मतलब, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फॉरगोन बाय रिजेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद तीसरी कॉस्ट थी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये क्या होती थी, टू बी इनकर्ड इन कैश। ये अभी इनकर्ड होगी, इन कैश मतलब कैश में इनकर्ड होगी। कैश मतलब ये नहीं कि खाली कैश पेमेंट होगा, बैंक के थ्रू भी पेमेंट होता है, हो सकता है, मतलब जिस कॉस्ट में पेमेंट इन्वॉल्व होगा, जो कॉस्ट इनकर्ड होगी फ्यूचर में, वो होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जैसे मान लो आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर आया, अब उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको एक इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा, आपको एक केमिकल परचेज करना पड़ेगा। तो जो केमिकल परचेज करोगे, जो इक्विपमेंट परचेज करोगे, वो क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये क्या होती है, हमेशा डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो क्या होती है, हमेशा रेलिवेंट होती है, उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता है। फोर्थ कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड। मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड एक ही बात होती है, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड एक बात नहीं होती। आपने जब बेसिक देखा था, फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड एक ही बात होती है। तो फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड दो तरह के हो सकते हैं। पहली कैटेगरी, अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग। अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग, कोई सा भी नाम आ सकता है इनमें से। दूसरी कैटेगरी, एडिशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, स्पेसिफिक, ट्रेसेबल। एडिशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, स्पेसिफिक और ट्रेसेबल। अगर कौन सा आता है फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में, अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग आता है फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में, तो वो डिसीजन मेकिंग में हमेशा क्या होगी, इररिलेवेंट होगी। सीए फाइनल में एससीएमपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिसीजन मेकिंग का, वो हमेशा क्या होगी, इररिलेवेंट होगी। दो चीज़ों में रेलिवेंट होगी, दो चीज़ों में वो काम आएगी। कहाँ का काम आएगी, एक तो अपने जो प्राइसिंग डिसीजन पढ़ा था चैप्टर, उसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में काम आएगी एक तो, और दूसरा नेट प्रॉफिट निकालने में काम आएगी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वाले में काम आएगी और एक नेट प्रॉफिट निकालने में काम आएगी। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो, और वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से आप टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हो, आपका नेट प्रॉफिट आता है, तो वहाँ काम आती है। और सीए फाइनल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनके अलावा, इन दो क्वेश्चन के अलावा, ये कुछ भी काम की नहीं है। आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। कौन सी वाली को, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, रिकवर्ड फिक्स कॉस्ट, अब्जॉर्ड फिक्स कॉस्ट, एडेड फिक्स कॉस्ट, कॉमन फिक्स कॉस्ट या एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। दूसरी होती है एडिशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, स्पेसिफिक और ट्रेसेबल। ये वाली फिक्स कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दे रखी है, ये डिसीजन मेकिंग में हमेशा क्या होगी, रेलिवेंट होगी। हमेशा इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा, ये हर क्वेश्चन में काम आएगी। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि अलोकेटेड है या एडिशनल है, तो लिख के देगा आपको, अलोकेटेड, रिकवर्ड, अब्जॉर्ड, एडेड, कॉमन, एग्जिस्टिंग लिख दे तो उसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। एडिशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, स्पेसिफिक, ट्रेसेबल लिख दे तो उसको काम में लेना है। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में लिख के नहीं दे, तो आपको लाइन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि वो अलोकेटेड वाली है या एडिशनल वाली। लेकिन मान लो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहा, तो हमेशा उसको क्या मानना है, अलोकेटेड वाली। क्या मानना है, अलोकेटेड वाली मानना है और उसको इग्नोर करना है। दो जगह इग्नोर नहीं करना उसको, एक तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, दूसरा नेट प्रॉफिट निकालने में। हो गया क्लियर, फिक्स कॉस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। इसका भी अपन ने एग्जांपल लिया था। मान लो आपकी सीए चल रही है, आपने कोचिंग की 1 लाख की फीस दी, सीए की कोचिंग फीस कितनी है, 1 लाख रुपये मान लो आप, तो फिक्स कॉस्ट आपकी। अब आपने सोचा सीएस भी कर लेते हैं, क्योंकि सीएस में सेम कोर्स है तो सीएस भी कर लेते हैं। तो आपने जो सीए की 1 लाख की कोचिंग फीस थी, इसको अलोकेट कर दिया 50,000 सीए में और 50,000 सीएस में, 50,000 सीए में और 50,000 सीएस में। अब आप सीएस का जो डिसीजन ले रहे हो, इस डिसीजन के लिए 50,000 जो फिक्स कॉस्ट है, ये इररिलेवेंट है, क्योंकि ये अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। आपने सीए वाली कॉस्ट अलोकेट करी है, तो इररिलेवेंट है, कुछ काम की नहीं है, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल आपने लिया था, आपने सोचा सीएस करेंगे, लेकिन सीएस के लिए एक सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी पड़ेगी, जिसके लिए 20,000 की एक्स्ट्रा फीस और लग जाएगी। 1 लाख तो लगी थी अभी आप सीएस कर रहे हो तो, सीए कर रहे हो तो, लेकिन 20,000 की और लग जाएगी एडिशनल सीएस करोगे तो। तो आपने क्या किया, 50,000 सीए को अलोकेट कर दी और 70,000 सीएस को अलोकेट कर दी। अब जो सीएस का डिसीजन कर रहे हो कि सीएस करें या ना करें, उसके लिए जो 50,000 जो आपने अलोकेट करी है, वो तो इररिलेवेंट है। और जो 20,000 एडिशनल लग रही है, ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है जो सीएस के कारण लग रही है। ये क्या है, सीएस के डिसीजन लेने में रेलिवेंट है। सीएस का जब आप बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालोगे, तो ये 20,000 रुपये काम की है, लेकिन 50,000 जो अलोकेट की है, ये काम की नहीं है। एक और एग्जांपल लिया था अपन ने, लेकिन सेम ऐसा ही एग्जांपल था। इसमें क्या था कि आप प्रोडक्ट ए बनाते हो, आपकी फिक्स कॉस्ट आती है फैक्ट्री का रेंट 10 लाख का, 10 लाख का आता है। अब आपके पास एक नया ऑफर आया प्रोडक्ट बी का, तो आपने क्या किया, जो फैक्ट्री का रेंट था 5 लाख ए को अलोकेट कर दिया, 5 लाख बी को अलोकेट कर दिया। तो बी का जो डिसीजन ले रहे हो, बी बनाए या ना बनाए, उसके लिए 5 लाख क्या है, इररिलेवेंट है, क्योंकि ये ऑर्डर आता भी नहीं तो भी आपके रेंट 10 लाख लगता, आ भी गया तो भी 10 लाख लगेगा। तो ये 5 लाख जो आपने बी में अलोकेट किया है, क्या है, इररिलेवेंट है, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, इसको अपन को इग्नोर करना है। अब मान लो बी के ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, तो फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपये से बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, 5 लाख ए को अलोकेट कर दिया, 6 लाख बी को अलोकेट कर दिया, टोटल 11 लाख हो गई आपकी। तो 6 लाख में से जो बी के लिए आपने अलोकेट की है, 5 लाख तो इररिलेवेंट है, क्योंकि 5 लाख तो ए वाली अलोकेट की आपने, जो पहले से लग रही थी वही अलोकेट की है, तो इररिलेवेंट है। लेकिन जो 1 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा लगेगी बी बनाने के लिए, जो 1 लाख एक्स्ट्रा लगेगी, वो क्या है, रेलिवेंट है। तो
जो फिक्स कॉस्ट अलोकेटेड वाली होती है वो हमेशा डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, इरेलीवेंट, और जो एडिशनल वाली होती है वो रेलिवेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे तो क्या मान लेना कौन सी वाली है, अलोकेटेड वाली, अलोकेटेड वाली हो क्या कर देना, इरेलीवेंट कर देना, दो जगह छोड़ के। दो जगह कहाँ कहाँ रेलिवेंट होगी, दो जगह, एक तो प्राइसिंग डिसीजन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, और दूसरा नेट प्रॉफिट निकालने में, वो भी काम आएगी, वहाँ वो इरेलीवेंट नहीं होगी। अब अपने सबसे पहले स्टार्ट किया था डिसीजन मेकिंग यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक या कंसेप्ट। एक टेक्निक होती है रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक या कंसेप्ट, उसको यूज़ करके डिसीजन मेकिंग अपने देखी थी। अभी रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक किसके ऊपर लगती है, ये लगती है स्पेशल जॉब के ऊपर या स्पेशल ऑर्डर के ऊपर। ये स्पेशल ऑर्डर क्या होता है, ये जो वन टाइम ऑर्डर होता है, वन टाइम ऑर्डर होता है, थोड़ा चेंज होकर आता है। चेंज होकर कैसे आता है, जैसे आप मार्कर बनाते हो और आपके पास हाईलाइटर का ऑर्डर आ गया, या आप मान लो टैक्स ऑडिट करते हो और आपके पास बैंक ऑडिट आ गई, थोड़ा चेंज होकर आता है। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है, वन टाइम ऑर्डर होता है और थोड़ा चेंज होकर आता है, इसे अपन बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक किसके ऊपर लगती है, स्पेशल ऑर्डर के ऊपर लगती है, जो वन टाइम ऑर्डर होता है और थोड़ा चेंज होकर आता है। अब स्पेशल ऑर्डर के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, इसको अपन मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन भी बोलते हैं, मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। आपको बताना होता है कि उस स्पेशल ऑर्डर के लिए कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करें ताकि आपको बिल्कुल लॉस ना हो, कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करें। तो कितनी चार्ज करोगे, कम से कम जितनी आपकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी उतनी चार्ज करोगे, जितनी आपकी कॉस्ट आएगी उतनी चार्ज करोगे ताकि आपको लॉस ना हो। तो कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करें ताकि आपको बिल्कुल भी लॉस ना हो, ये निकालना पड़ता है एक में। तो दूसरे में क्या करना पड़ता है, आपको स्पेशल ऑर्डर का इवैल्यूएशन करना होता है, नेट बेनिफिट या नेट लॉस निकालना होता है स्पेशल ऑर्डर का। कैसे निकालते हो, रेलिवेंट रेवेन्यू माइनस रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट रेवेन्यू माइनस रेलिवेंट कॉस्ट, आपका नेट बेनिफिट या लॉस आता है, लॉस आ जाता है स्पेशल ऑर्डर से, कि स्पेशल ऑर्डर से आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा ये पता चल जाता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, आपको बताना होता है कि कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करें, तो इसमें क्या निकालना होता है आपको, रेलिवेंट कॉस्ट। दूसरा आता है इवैल्यूएशन करो स्पेशल ऑर्डर का, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, रेलिवेंट रेवेन्यू में से रेलिवेंट कॉस्ट लेस कर दो, आपका नेट बेनिफिट या लॉस आ जाता है। अब स्पेशल ऑर्डर क्या होता है, वन टाइम ऑर्डर होता है जो थोड़ा चेंज होकर आता है, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ वो ऑर्डर आता है। पेन बनाते हो पेंसिल का ऑर्डर आ गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, या मार्कर बनाते हो हाईलाइटर का ऑर्डर आ गया, तो थोड़ा चेंज होकर ऑर्डर आता है, उसे अपन बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर। अब रेलिवेंट रेवेन्यू क्या होता है, इनफ्लो ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर, उस स्पेशल ऑर्डर के कारण जो जो इनफ्लो होगा, मार्कर बनाते थे आप, हाईलाइटर का ऑर्डर आ गया, तो हाईलाइटर की सेल से जो इनफ्लो होगा, उस ऑर्डर से जितना भी इनफ्लो होगा वो क्या होता है, रेलिवेंट रेवेन्यू। अभी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, उस स्पेशल ऑर्डर के कारण जो कॉस्ट इनकर्ड होगी, उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने में जितनी कॉस्ट लगेगी एक तो वो, और उस स्पेशल ऑर्डर के कारण जो आपका इनफ्लो अवॉइड हुआ, उस स्पेशल ऑर्डर के कारण आपका जो इनफ्लो अवॉइड हुआ वो भी क्या होती है, रेलिवेंट कॉस्ट। जैसे मान लो मार्कर से हाईलाइटर का ऑर्डर आया, अब आप हाईलाइटर का ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लोगे, लेकिन इससे क्या होगा, मार्कर की सेल कम हो जाएगी आपकी, मार्कर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आपका कुछ इन्फ्लो अवॉइड हो जाएगा, तो वो भी क्या होती है, रेलिवेंट कॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, एक तो जो आपकी कॉस्ट लगी स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने में, दूसरा उस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के चक्कर में आपका जो इन्फ्लो अवॉइड हो गया, जो आपका कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया, वो भी क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट निकालोगे कैसे, वो अपन को बता रखा है। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल दो तरह का हो सकता है, एक तो ऐसा मटेरियल जो स्टॉक में नहीं है, दूसरा स्टॉक में है। जैसे मान लो मार्कर से हाईलाइटर बनाने का ऑर्डर आया आपके पास, अब हाईलाइटर बनाने के लिए आपको चाहिए डिफरेंट कलर्स, मार्कर आप ब्लैक मार्कर बनाते थे बस, हाईलाइटर के लिए आपको येलो कलर भी चाहिए, रेड कलर भी चाहिए, ऑरेंज कलर भी चाहिए, तो डिफरेंट कलर्स भी चाहिए आपके, वो आपके स्टॉक में नहीं है, तो क्या करोगे आप, बाहर से परचेज करके लाओगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। नॉट इन स्टॉक वाले मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा नॉट इन स्टॉक, ऐसा आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो रेलिवेंट कॉस्ट नॉट इन स्टॉक वाले मटेरियल की क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। अब इन स्टॉक, जो स्टॉक वाला मटेरियल होता है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर यूज़ वाला और एक इरेगुलर यूज़ वाला, रेगुलर यूज़ या मूविंग, एक इरेगुलर यूज़ या नॉन मूविंग। तो जैसे मान लो मार्कर से हाईलाइटर बनाने का ऑर्डर आया, मार्कर बनाने में आप यूज़ करते थे प्लास्टिक, अब हाईलाइटर बनाने में भी प्लास्टिक यूज़ होगा, तो प्लास्टिक एक तरीके से क्या है, रेगुलर यूज़ का मटेरियल है, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों होगी, आप प्लास्टिक को स्टॉक से यूज़ कर लोगे हाईलाइटर बनाने में, अब वो प्लास्टिक रेगुलर यूज़ का मटेरियल है, आपको तुरंत परचेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट भी बनाते हो, तो तुरंत आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, मार्केट से परचेज करके अपने स्टॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, ये एक तरीके से परचेज प्राइस ही होती है, क्योंकि आप तुरंत परचेज करके रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, एक तरीके से परचेज प्राइस ही होती है। क्वेश्चन में कभी परचेज प्राइस दे देता है तो उसी को मान लेना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्वेश्चन में कभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे देता है तो उसी को क्या मान लेना, परचेज प्राइस। दोनों का मतलब सेम होता है, कभी अलग नहीं देगा, दोनों का मतलब सेम होता है। अब दूसरा स्टॉक होता है इरेगुलर यूज़ वाला, आपके पास मान लो एक केमिकल रखा हुआ था, आप मार्कर बनाते थे, आपके पास एक केमिकल रखा हुआ था जो मार्कर बनाने में ज़्यादा काम नहीं आता था, अब उसको आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास हाईलाइटर का ऑर्डर आ गया, अब हाईलाइटर बनाने में वो काम आ जाएगा, तो ऐसा मटेरियल जो ज़्यादा काम नहीं आता था, तो वो भी तीन तरह का हो सकता है, जो इरेगुलर यूज़ वाला मटेरियल है, नॉन मूविंग मटेरियल, तीन तरह का हो सकता है। एक तो सेलेबल, आप उस केमिकल को बेचने वाले थे बस, और कोई यूज़ नहीं करता उसका, उसको बेचने वाले थे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, उस केमिकल की एनआरवी।
अगर वो केमिकल किसी सब्सटीट्यूट में काम आने वाला था, सब्सटीट्यूट में जैसे आपका एक और डिवीजन था, आपकी एक एक एसोसिएट कंपनी थी या सब्सिडरी कंपनी थी, आपका एक डिवीजन था वो पेंसिल बनाता है और वो केमिकल उस पेंसिल बनाने में काम आ जाएगा, तो रेलिवेंट पोस्ट क्या होगी? एनआरवी और बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेट यूज़। एनआरवी और बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेट यूज़ विच एवर इज हायर, जो आप एनआरवी है उसकी वो, या अल्टरनेट यूज़ से जो बेनिफिट होने वाला आपको वो, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या होगा, वो क्या होगी उसकी रेलिवेंट पोस्ट। अब जो तीसरी कैटेगरी वाला इररेगुलर यूज़ का मटेरियल है वो क्या है? ऐसा मटेरियल है कि अगर आप उसको डिस्पोज करोगे, मतलब उसको नष्ट करोगे, तो उसकी कॉस्ट आएगी, मतलब टॉक्सिक मटेरियल है, एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल है, अगर आप उसको डिस्पोज करोगे तो आपकी, आपको पैसा नहीं मिलेगा बल्कि आपकी कॉस्ट आएगी, उसको नष्ट करने की कॉस्ट आएगी। बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? इसमें कोई कॉस्ट नहीं होगी, इसमें सेविंग हो जाएगी उल्टा, क्योंकि हाइलाइटर पाउडर आ गया, अब उस टॉक्सिक केमिकल को आप हाइलाइटर में डाल दोगे, अगर हाइलाइटर का ऑर्डर नहीं आता तो आप उसको नष्ट करते, नष्ट करने की कॉस्ट आती है, आपका पैसा लगता, तो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी यहाँ पे, या क्या हो जाएगी? उल्टा सेविंग हो जाएगी, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ पे? नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो इस तरह से मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट निकलती है। फिर अपन ने देखा लेबर। लेबर दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है टेम्पोररी या कैजुअल लेबर, दूसरी परमानेंट लेबर। मान लो आप टैक्स ऑडिट करते थे, आपके पास बैंक ऑडिट का ऑफर आया, वन टाइम ऑर्डर आया, बैंक ऑडिट का ऑफर आ गया आपके पास। अब बैंक ऑडिट के लिए आपको कुछ स्पेशल स्टाफ चाहिए, स्पेशल आर्टिकल्स चाहिए, स्पेशल स्टाफ चाहिए, तो आपने टेम्पोररी बेस पे बाहर से हायर कर लिए, तो उनको रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? उनको जितनी वेजेस पे करोगे उस ऑडिट को करवाने के लिए, वो क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। अब परमानेंट लेबर दूसरा केस, टैक्स ऑडिट करते थे, बैंक ऑडिट का आपके पास ऑफर आया, वन टाइम ऑर्डर आया आपके पास, अब परमानेंट लेबर आपके पास थी। पहला केस, जो परमानेंट लेबर थी वो आपके पास सरप्लस में थी या एक्सेस में अवेलेबल थी, सरप्लस में थी या एक्सेस में अवेलेबल थी। जैसे मान लो आपकी फर्म में 10-15 आर्टिकल बैठे हुए थे, आपकी फर्म में 10-15 आर्टिकल एक्सेस में बैठे हुए थे, बस वो ऑफिस में बैठ के टाइम पास कर रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई लैपटॉप चला रहा था, कोई मान लो मूवी वगैरह देख रहा था, टाइम पास कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो जैसे ही बैंक ऑडिट आई, आपने उन 10-15 आर्टिकल को काम पे भेज दिया, बैंक ऑडिट पे भेज दिया, तो वो परमानेंट लेबर कैसी है? सरप्लस वाली है। सरप्लस वाली मतलब पहले से एक्सेस में आपके पास अवेलेबल है। अगर बैंक ऑडिट नहीं आती तो भी आप उनको स्टाइफंड देते, 2,000-2,500 जितना देते हो तो वो भी देते। बैंक ऑडिट आ गई, अब वो वहाँ काम कर रहे हैं, अभी भी स्टाइफंड दोगे, तो उस सरप्लस वाली लेबर का, परमानेंट लेबर का रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? नील होगा। क्या होगा? नील होगा, क्योंकि वो आपकी परमानेंट लेबर है। अगर बैंक ऑडिट नहीं आती तो वो ऑफिस में बैठे हुए बैठे भी स्टाइफंड ले रहे थे आपसे, अब वो काम करेंगे तो भी स्टाइफंड लेंगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या उनकी? एक तरीके से नील है। लेकिन मान लो जो आपकी लेबर है परमानेंट लेबर, वो शॉर्टेज में चल रही है, आप टैक्स ऑडिट करते हो, सारे आर्टिकल्स टैक्स ऑडिट में लगे हुए हैं, सारे आर्टिकल टैक्स ऑडिट में लगे हुए हैं, आपके पास बैंक ऑडिट आ गई एक, अब आप इस बैंक ऑडिट को खोना नहीं चाहते, बाहर आपने बात करी, बाहर भी लेबर अवेलेबल नहीं है, बाहर भी आर्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या किया? टैक्स ऑडिट जो आपकी कर रहे थे उसमें से एक टैक्स ऑडिट जो ज़्यादा काम की नहीं थी उसमें से कुछ आर्टिकल बुला लिए यहाँ पे, और उस टैक्स ऑडिट को करना बंद कर दिया, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक तो उनको वेजेस दोगे उन आर्टिकल को वो, प्लस उन आर्टिकल को जो बुलाया आपने, तो आपकी एक टैक्स ऑडिट कम हो गई, उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट अगर शॉर्टेज में, तो क्या हो जाएगी? वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टेम्पोररी लेबर की क्या होगी? वेजेस पेएबल, परमानेंट है और एक्सेस में है तो नील, और शॉर्टेज में है तो वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये लेबर की हो जाएगी। ओवरहेड, ओवरहेड दो तरह के होते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं फिक्स भी। वेरिएबल की हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? हमेशा जितनी भी इनकर्ड होगी स्पेशल ऑर्डर के लिए वो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, और वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। हमेशा क्या होंगे? वेरिएबल ओवरहेड रेलिवेंट होंगे। जितनी भी स्पेशल ऑर्डर के लिए इनकर्ड होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। चाहे लेबर रेलिवेंट हो चाहे इररेलिवेंट हो, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास परमानेंट लेबर थी, एक्सेस में अवेलेबल थी, परमानेंट आर्टिकल थे आपके, एक्सेस में अवेलेबल थे, आपने बैंक ऑडिट पे लगा दिया, तो लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई? उन आर्टिकल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई? नील हुई। लेकिन उन आर्टिकल को आपने बैंक ऑडिट पे लगाया तो उनको आप वर्किंग पेपर्स दोगे, पेपर वगैरह दोगे, फाइल वगैरह दोगे, कन्वीनियंस का पैसा दोगे, मान लो आप देते हो, बैंक नहीं देता, आप ही देते हो, तो जो ये कॉस्ट आ रही है वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल ओवरहेड जो लग रहे हैं, ये क्या हो गए? ये तो रेलिवेंट हो गए ना, ये तो उस बैंक ऑडिट के कारण लग रहे हैं ना, ये तो बैंक ऑडिट के कारण लग रहे हैं। आर्टिकल चाहे इररेलिवेंट है, आर्टिकल की कॉस्ट नहीं ले, लेकिन फिर भी वेरिएबल ओवरहेड क्या है? रेलिवेंट। तो लेबर चाहे रेलिवेंट हो चाहे इररेलिवेंट हो, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। और रेलिवेंट कितने होंगे? जितना भी स्पेशल ऑर्डर के लिए लगेगा उतने रेलिवेंट हो जाएंगे। फिक्स ओवरहेड अगर अलोकेटेड हैं तो इररेलिवेंट होंगे, और रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी उनकी? नील। और एडिशनल हैं तो रेलिवेंट होंगे, और रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी उनकी? जितना भी स्पेशल ऑर्डर के लिए लगेगा फिक्स ओवरहेड, वो हो जाएगी उनकी रेलिवेंट कॉस्ट। ये पढ़ी लिया अपन ने एलोकेटेड एडिशनल, फिक्स ओवरहेड पहले ही पढ़ लिया अपन ने। इररेलिवेंट हो गए तो उसको इग्नोर कर देना, रेलिवेंट कॉस्ट कितनी ले लेना? जीरो ले लेना। और एडिशनल है तो रेलिवेंट हो गए, रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जितना भी स्पेशल ऑर्डर के लिए फिक्स ओवरहेड लगेंगे वो क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। मान लो एक स्पेशल ऑर्डर आया, उसके लिए एक्स्ट्रा लाइट लगेगी आपकी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगेगा आपका 5,000 रुपये का, तो एडिशनल है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? वो 5,000 रुपये क्या हो जाएगी?
एडिशनल वाली फिक्स ओवरहेड रेलिवेंट हो जाएगी, और रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये। अब आ जाते हैं लास्ट कॉस्ट, मशीन कॉस्ट। ज़्यादा काम की नहीं है मशीन कॉस्ट, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या करना है इसका वो देख लेते हैं। अगर कोई रेगुलर यूज़ वाली मशीन नहीं है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, फॉल इन रिलाइजेबल वैल्यू। जितना रिलाइजेबल वैल्यू में फॉल हुआ वो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। और अगर मशीन रेगुलर यूज़ वाली है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, फॉल इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जितना रिप्लेसमेंट कॉस्ट में फॉल हुआ वो क्या हो जाएगी, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट। ये है मशीन कॉस्ट। अब आ जाते हैं इसका थ्योरी पॉइंट पे। अगर आप प्राइसिंग करते हो रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक के बेस पे तो क्या क्या इशू आ सकते हैं, दो इशू आ सकते हैं। एक, प्रॉफिट रिपोर्टिंग। आपकी प्रॉफिट रिपोर्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, अकाउंट्स का प्रॉफिट बिल्कुल अलग आएगा, और रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक से जो प्रॉफिट निकालोगे आप, रेलिवेंट रेवेन्यू माइनस रेलिवेंट कॉस्ट करके जो प्रॉफिट निकालोगे वो बिल्कुल अलग आएगा। क्या पता अकाउंट्स में लॉस आ रहा हो इसमें प्रॉफिट आ रहा हो, क्या पता अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा हो और इसके अकॉर्डिंग लॉस आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। एक तो दिक्कत ये आएगी। दूसरी दिक्कत क्या आएगी, जो ये रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक है ये ओनली वन टाइम ऑर्डर के लिए, ये फ्यूचर के लिए नहीं है, ये ओनली वन टाइम ऑर्डर के लिए, वन टाइम ऑर्डर के लिए है ये। इसको आप फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्या पता जो लेबर आज इररेलीवेंट है, जो आर्टिकल्स आज इररेलीवेंट है, क्या पता फ्यूचर में रेलिवेंट हो जाए, फ्यूचर में आपके पास ज़्यादा काम आ जाए तो फ्यूचर में रेलिवेंट हो जाए। क्या पता जो मटेरियल आज नॉट इन स्टॉक वाला है वो फ्यूचर में इन स्टॉक वाला हो जाए। तो जो रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक है ये ओनली वन टाइम ऑर्डर के लिए होती है, ये फ्यूचर के वर्क के लिए नहीं होती, फ्यूचर वर्क के लिए ये यूज़ नहीं हो सकती। ये दो इशू आएंगे रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक के, प्रॉफिट रिपोर्टिंग और प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क। आगे अपने स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्ट और CVP एनालिसिस टेक्निक का बेसिक। या तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बोल दो या CVP एनालिसिस बोल दो। CVP मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, दोनों का मतलब एक ही है। CA इंटर में इसका बेसिक दे रखा था, यहाँ भी अपने इसको इसका बेसिक देखा। तो ये टेक्निक क्या काम आती है मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक, ये एक डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। किसकी टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग की। इस टेक्निक का जो अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि जो कॉस्ट होती है ना वो दो टाइप की होती है, या तो वेरिएबल होती है या फिक्स होती है, तीसरी कोई कॉस्ट नहीं होती। या तो वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स होती है। अगर कोई तीसरी कॉस्ट है मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको उसको बांटना पड़ेगा फिक्स और वेरिएबल में, ये इसका अजम्पशन होता है। जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है ये डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है, इसको अपन CVP एनालिसिस टेक्निक भी बोलते हैं। इस टेक्निक का अजम्पशन क्या होता है, जो कॉस्ट होती है ना ओनली दो टाइप की होती है, या तो फिक्स होती है या वेरिएबल होती है, तीसरी कोई कॉस्ट नहीं होती। तीसरी होती है तो उसको या तो फिक्स में बांटो या वेरिएबल में बांटो, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, मार्जिनल कॉस्ट शीट। कैसे बनती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, चाहिए अलोकेटेड वाली है चाहिए एडिशनल, सारी लेस कर देते हैं आपका प्रॉफिट आ जाता है। ये मार्जिनल कॉस्ट शीट का P&L अकाउंट होता है। कॉस्टिंग में CA फाइनल में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट निकालने का, आपको इसी तरह से निकालना है। कैसे निकालना है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, प्रॉफिट आया, इसी तरह से प्रॉफिट निकालना है। अगर आपने किसी और तरीके से प्रॉफिट निकाला तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये शीट बना के आपको प्रॉफिट निकालना है। अब आगे कंटिन्यू किया अपन ने इसमें, इसके फॉर्मूला देखे जो बेसिक फॉर्मूला थे। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट से जितनी भी ज़्यादा है, जितने भी एक्सेस है, उस एक्सेस को क्या बोलते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में और प्रॉफिट अर्न करने में। क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में और प्रॉफिट अर्न करने में। इस कारण इसका नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या तो या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कंट्रीब्यूशन आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। मैंने आपको बताया था कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है CA फाइनल में, पता नहीं चल रहा क्या करे, किस चीज़ का क्वेश्चन है पता ही नहीं चल रहा, मेक और बाई का है, प्रोडक्ट मिक्स का है, या किसी भी चीज़ का है, ट्रांसफर प्राइसिंग का है, आपको दिक्कत आ रही है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं लग पा रहे आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन निकाल के डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने किए थे, दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में किए थे, तीन चार क्वेश्चन आएंगे अपने ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर उसमें भी आएंगे। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसे पता नहीं चल पा रहा क्या करें, तो आप तो कंट्रीब्यूशन निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकाल के डिसीजन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, स्पेशल क्वेश्चन, जो पता नहीं चल पा रहा क्या करें, किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो आप तो कंट्रीब्यूशन निकालो, आपके आपका अपने आप ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसका फॉर्मूला याद करना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आगे आ जाओ PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है, जो होता है PV रेशियो। कैसे निकालते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेल्स पर यूनिट इन 100, या टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल सेल्स इन 100, ये आपका आ जाता है PV रेशियो। फिर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है, कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाई सेल्स पर यूनिट इन 200, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल सेल्स इन 200। और एक और तरीका है इसका, 1 में से PV रेशियो लेस कर दो, आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगला है ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी थोड़ा काम का है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होता, ये एक तरीके से सेल्स का लेवल होता है। क्या होता है, सेल्स होता है एक तरीके से, सेल्स का वो लेवल जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाए, सेल्स का वो लेवल जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट के इक्वल हो जाए, सेल्स का वो लेवल जहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के इक्वल हो जाए,
सेल्स का वो लेवल जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाए, टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, उसे बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जीरो आएगा। तो सेल्स का वो लेवल जहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट जीरो हो जाए, टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, या कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। निकलता कैसे है, मैंने आपको समझाया भी था निकालते वक्त। अभी अपन फॉर्मूला देखते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट में निकल जाएगा, और वैल्यू में कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, ये वैल्यू में निकल जाएगा। या दूसरा तरीका है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकाल लिया, यूनिट वाले को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इनटू कर देना, अपने आप वैल्यू में निकल जाएगा। ये एक तरीके से सेल्स ही होती है, कुछ अलग चीज़ नहीं होती, सेल्स ही होती है। सेल्स का एक लेवल होता है जहाँ पे आपकी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें अपने एक स्पेशल चीज़ देखी थी, एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम का नहीं है, ये ओनली फॉर्मूला बेस इसका क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसा इंटर में क्वेश्चन आते थे ना फॉर्मूले के बेस पे, वैसा क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हो, अपन फिक्स कॉस्ट लेते हैं, कौन सी लेते हैं, ए बी सी वाली, मतलब अनएनालाइज वाली, कौन सी अनएनालाइज वाली, अनएनालाइज वाली मतलब जिस फिक्स कॉस्ट को आप प्रोडक्ट्स में एलोकेट नहीं कर पाए, जो कॉमन फिक्स कॉस्ट बच गई वो वाली लेते हैं। तो क्वेश्चन में ए बी सी वाली दे रखी है तो, या अनएनालाइज लिख के दे रखी है वो वाली फिक्स कॉस्ट लेनी है, ए बी सी लिखी हुई या अनएनालाइज लिखी हुई, याद रखना ए बी सी या अनएनालाइज वाली। प्लस क्या करना है, सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप, प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, प्लस सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप, प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, आपका एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा यूनिट में। इसके बाद था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ज़्यादा है, इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे मान लो सी ए फाइनल का जो ब्रेक इवन मार्क्स है वो है 400 मार्क्स पास होने के, और आपके एक्चुअल मार्क्स आए 500, तो आपका सेफ्टी मार्जिन क्या था, 100 मार्क्स का। मान लो आपके एक्चुअल मार्क्स 450 आए तो आपका सेफ्टी मार्जिन कितना था, 50 मार्क्स का। मान लो आपके एक्चुअल मार्क्स 600 आए तो आपका ब्रेक इवन क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, सेफ्टी मार्जिन कितना था, 200 मार्क्स का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ज़्यादा है, उस एक्सेस को क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसे निकलता है वैल्यू में, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट्स में कैसे निकलता है, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स इन 200, या तो यूनिट्स में ले लो या वैल्यू में ले लो, कुछ भी ले लो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स इन 200 कर दो, आपका एमओएस रेशियो आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। छठा था सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट। कभी कभी आपको क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा होता है और आपको बताना होता है कि इस डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितनी सेल्स करनी होगी, तो निकालोगे कैसे, फिक्स कॉस्ट में वो डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो, डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो से, आपकी वो सेल्स आ जाएगी। ज़्यादा काम का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आजकल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे सीए फाइनल में, सीए फाइनल पे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मूले बेस पे जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, वो आ सकता है ओनली जो एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट था उसी का। सातवां पॉइंट है इंडिफरेंस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट था इंडिफरेंस पॉइंट, इसे अपन कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो ऐसा प्रोडक्शन का ऐसा पॉइंट, प्रोडक्शन करने का ऐसा पॉइंट जहाँ पे उन सभी अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, उसे बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। अब ये कैसे काम क्या आता है, तो इसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं। आप मान लो बनाते हो प्रोडक्ट ए, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मशीन ए से बना लो या मशीन बी से बना लो। मशीन ए से बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी ₹10 और फिक्स कॉस्ट आएगी 60,000। मशीन बी से बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 20 और फिक्स कॉस्ट आएगी 80,000। बताओ किसे बनाओगे, ए या बी? ए से बनाओगे, दोनों कॉस्ट इसमें कम है, वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें कम है, फिक्स कॉस्ट भी इसमें कम है, आप किसे बनाओगे, मशीन ए से बनाओगे, कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप प्रोडक्ट बी बनाते हो, दो ऑप्शन है, या तो मशीन पी से बना लो या क्यू से बना लो। पी से बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10 और फिक्स कॉस्ट आएगी 2 लाख। क्यू से बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 15 और फिक्स कॉस्ट आएगी 1,50,000। बताओ कौन सा यूज़ करोगे, पी या क्यू? आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आप पी की तो वेरिएबल कॉस्ट कम है और क्यू की फिक्स कॉस्ट कम है, अब बताओ। अब ऐसे केस में क्या काम आएगा आपके, इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट ये बताएगा कि प्रोडक्शन कितना करें ताकि मशीन पी से भी सेम कॉस्ट आए और मशीन क्यू से भी सेम कॉस्ट आए। कितने प्रोडक्शन पे, कितने यूनिट्स बनाने पे मशीन पी से और मशीन क्यू से सेम कॉस्ट आएगी, कितनी यूनिट्स बनाने पे मशीन पी से और मशीन क्यू से सेम कॉस्ट आएगी, ये निकालते हैं। इसको मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या करो आप, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस मतलब 2 लाख माइनस 1,50,000 और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस 15 माइनस 10, ये करके आप इनडिफरेंस पॉइंट निकाल सकते हो। अब अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो चाहे आप मशीन पी से बनाओ चाहे क्यू से बनाओ, आपकी कॉस्ट इक्वल आएगी, मशीन पी से भी उतनी आएगी जितनी मशीन क्यू से आएगी। तो अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो मशीन पी से और क्यू से बराबर कॉस्ट आएगी, ये आता है इनडिफरेंस पॉइंट। अब डिसीजन कैसे लोगे इसके बेस पे, अब इनडिफरेंस पॉइंट के बेस पे डिसीजन कैसे लोगे, अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आपने सोचा कि इतनी बनाएंगे, अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है इनडिफरेंस पॉइंट के बराबर है, मतलब आपने टारगेट क्या किया 10,000 यूनिट का, इनडिफरेंस पॉइंट कितना आ गया आपका 10,000 यूनिट का।
आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, जो आपने एक्सपेक्टेड सेल करी है या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन किया है, वो कितना है 10,000 का। तो आप किसी भी मशीन से बना लो, पी से बना लो चाहे क्यू से बनाओ, सेम कॉस्ट आएगी, कोई सी भी मशीन यूज़ कर लो। लेकिन मान लो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, इन डिफरेंस पॉइंट कितना आया था 10,000 यूनिट का, और आपने जो एक्सपेक्टेड किया वो किया 10,000 से ज़्यादा, मान लो 12,000 किया, 15,000 किया, तो आपको वो अल्टरनेटिव चूज़ करना है जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है इन डिफरेंस पॉइंट से, तो आपको वो अल्टरनेटिव चूज़ करना है जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। और अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना था, इन डिफरेंस पॉइंट था 10,000, और आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मान लो 8,000 है, 9,000 है, तो क्या करोगे, तो आपको वो अल्टरनेटिव चूज़ करना है जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, अगर आपका प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, तो वो अल्टरनेटिव चूज़ करो जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आपका प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, तो वो अल्टरनेटिव चूज़ करो जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। ज़्यादा में अपन हाई वाला फिक्स कॉस्ट वाला क्यों करते हैं, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा फिक्स कॉस्ट को आसानी से रिकवर कर लोगे, क्योंकि वो ज़्यादा यूनिट में बढ़ जाएगी, और अगर कम होगा तो इसलिए कम फिक्स कॉस्ट उसमें काम आएगी। तो ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा फिक्स कॉस्ट को ज़्यादा यूनिट से क्या कर लोगे, रिकवर कर पाओगे। इस कारण अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है इन डिफरेंस पॉइंट से, तो ज़्यादा फिक्स कॉस्ट वाला बेटर है। कम है प्रोडक्शन इन डिफरेंस पॉइंट से, तो कम फिक्स कॉस्ट वाला अल्टरनेटिव आपके लिए बेटर है। इसको अपन ने एग्जाम्पल से समझा भी था। इसके बाद अपन ने आए थे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि जो अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक देखी, इसका मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का जो अपने बेसिक देखा, इसके वजह से आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। तो इसके वजह से टोटल 5 तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, दूसरा स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन, तीसरा प्रोडक्ट मिक्स, चौथा मेक और बाई, और पाँचवा कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू। 5 डिसीजन मेकिंग अपन ने देखी। अब उन 5 डिसीजन मेकिंग को अपन देखने जा रहे हैं। पहला है सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। क्या है सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप जॉइंट प्रोडक्ट बनाते हो तो जॉइंट प्रोडक्ट को उसी पॉइंट पे बेच दिया जाए या फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए, ये आप डिसाइड करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, 3 प्रोडक्ट बने, एक पेट्रोल बना, एक डीजल बना, ये तो थे दोनों जॉइंट प्रोडक्ट, और एक डामर बना, डामर जो रोड बनाने में काम आता है ना, वो था बाई प्रोडक्ट, वो एक तरीके से कचरा होता है। तो पेट्रोल और डीजल थे जॉइंट प्रोडक्ट और डामर था बाई प्रोडक्ट, जो कचरा होता है उसको अपन बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, CA इंटर में आपने पढ़ रखा होगा। पेट्रोल और डीजल दोनों की रेट बराबर होती है तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट बोला जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि पेट्रोल को आप फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हो, पेट्रोल को क्या कर सकते हो आप, फर्दर प्रोसेस करके इसको जेट फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करके क्या कर सकते हो आप, जेट फ्यूल बना सकते हो। तो अब इस डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करना है, कि जो पेट्रोल है पेट्रोल को इसी पॉइंट पर बेच दिया जाए या जेट फ्यूल बनाने के बाद बेचा जाए, पेट्रोल को इसी पॉइंट पर बेच दिया जाए या फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल बनाने के बाद बेचा जाए, ये अपन डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो पेट्रोल है इस एग्जांपल में, इस पेट्रोल को पेट्रोल की फॉर्म में ही बेच दिया जाए या फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल बनाने के बाद बेचा जाए, ये अपन इसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप निकालो फर्दर प्रोसेसिंग करने से आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना होगा। कैसे निकालोगे, जेट फ्यूल जो बना लोगे आप, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो रेवेन्यू आएगा, जो सेल आएगी, उसमें से लेस कर दो आप जो पेट्रोल बेचते तो क्या सेल होती, मतलब जेट फ्यूल की सेल में से क्या लेस कर दो, पेट्रोल की सेल। जेट फ्यूल बना के जो बेचोगे तो जेट फ्यूल से कितनी सेल आएगी, उसमें से क्या लेस कर दो, पेट्रोल वाली सेल लेस कर दो। मतलब रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ, रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ लेस करके क्या निकाल लो, फर्दर प्रोसेस करने से आपको एक्स्ट्रा सेल कितने की होगी वो निकाल लो, और इसमें से लेस कर दो टोटल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस करने की कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब पेट्रोल को जेट फ्यूल बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी, पेट्रोल को जेट फ्यूल बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल ऐड कर दो, वेरिएबल भी फिक्स भी जितनी भी कॉस्ट आएगी वो आप इसमें से लेस कर दो। जैसे ही लेस करोगे आपका नेट बेनिफिट आ जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग से। पॉजिटिव आता है तो फर्दर प्रोसेस करके बेचो, और नेगेटिव आता है तो पेट्रोल के फॉर्म में, मतलब स्प्लिट ऑफ पे बेच दो। अगर पॉजिटिव आता है तो जेट फ्यूल बना के बेचो, और अगर नेगेटिव आता है तो पेट्रोल की फॉर्म में ही बेच दो, ये आएगा। अब एक चीज़ बताओ, जो पेट्रोल और डीजल बनाने की जो कॉस्ट लगी थी, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो कॉस्ट लगी थी, सेपरेशन पॉइंट तक जो कॉस्ट लगी थी, मतलब क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट लगी थी, पेट्रोल और डीजल बनाने की कॉस्ट लगी थी, बताओ ये काम की है नहीं, ये काम की नहीं है इस डिसीजन मेकिंग में। क्यों क्यों काम की नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकट हो चुकी है। आप डिसीजन क्या ले रहे हो, पेट्रोल को पेट्रोल की फॉर्म में भेज दें या फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल बना के भेजें। आप पेट्रोल बना लिया आपने, पेट्रोल और डीजल बना लिया आपने, अब डिसीजन क्या ले रहे हो, पेट्रोल को अभी भेज दें या फर्दर प्रोसेस करके जेट फ्यूल बना के भेजें। तो जो पेट्रोल बनाने की जितनी कॉस्ट लगी है, पेट्रोल और डीजल बनाने की जितनी कॉस्ट लगी है, जॉइंट कॉस्ट, वो क्या है, इररेलीवेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकट हो चुकी है, आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। आप पेट्रोल को अभी बेचोगे तो भी लग चुकी, और जेट फ्यूल बना के बेचोगे तो भी वो लग चुकी, तो वो क्या है, संक कॉस्ट है, वो यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ काम किसकी आएगी, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट काम आएगी, ये ध्यान रखना। तो जो क्रूड ऑयल वाली कॉस्ट लगी है, जो पेट्रोल बनाने की कॉस्ट लगी है, वो क्या है, संक कॉस्ट है।
तो उसको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, इररिलेवेंट है वो। इसका भी अपन ने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए मैंने। अब दूसरा डिसीजन देखा था अपने स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन। ये क्या होता है, अपने एक तो देखा था स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, वो क्या होता है, वन टाइम ऑर्डर होता है और थोड़ा चेंज होकर आता है मार्कर से हाईलाइटर। ये क्या होता है, सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर, आप पेन बनाते हो पेन का ही ऑर्डर आया, पेन बनाते हो पेन का ही ऑर्डर आया, आप एसी बनाते हो एसी का ही ऑर्डर आया, आप टीवी बनाते हो टीवी का ही ऑर्डर आया, सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, बस कम प्राइस पे आया है। मान लो आप पेन की जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपके वो 20 रुपये है, आप 20 रुपये में पेन बेचते हो, लेकिन जो कस्टमर आया है वो 16 रुपये में आया है, बोल रहा है कि 16 रुपये देगा वो या 18 रुपये देगा। तो सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है कम प्राइस पे आया है, सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है आपकी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उससे थोड़ी कम प्राइस पे आया है, उसे अपन बोलते हैं स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन, स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन। अब उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन को आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, ये कैसे निकालना है, तो इसके लिए अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालो, उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर से कितनी सेल आएगी वो निकाल लो, कितनी सेल होगी उससे वो निकाल लो, उसमें से उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, मतलब पेन बनाने के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग जाती है, वो स्पेशल प्राइस वाला बोलता है कि हमको एक्स्ट्रा पैकिंग चाहिए, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड कर दो वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगी। इसके अलावा क्या लेस कर दो, उस स्पेशल प्राइस ऑर्डर को पूरा करने के लिए एडिशनल क्या क्या फिक्स कॉस्ट लगेगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कुछ लगेगी तो वो लेस कर दो। और चौथा लेस करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ रेगुलर सेल ओनली इफ देयर इज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। अब ये क्या हुआ, मतलब मान लो आपके पास कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, आपकी मान लो कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है पेन बनाने की, आपकी नॉर्मल सेल होती है 60,000 यूनिट की, और जो स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया वो 20,000 यूनिट का आया। एक बात और सुनना, स्पेशल प्राइस ऑर्डर या तो पूरा एक्सेप्ट होता है या पूरा रिजेक्ट होता है, ऐसा नहीं उसको आप टुकड़ों में एक्सेप्ट कर लो। तो 20,000 यूनिट का स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया, 1 लाख की कैपेसिटी आपकी, 60 की नॉर्मल सेल करते हो, तो बताओ आपको अपनी नॉर्मल सेल कम करनी पड़ेगी क्या, नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है, कैपेसिटी की कमी नहीं है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो 1 लाख यूनिट की आपकी क्या थी, नॉर्मल कैपेसिटी थी, 60 का आपकी नॉर्मल सेल थी, जो स्पेशल ऑर्डर आया वो 50,000 यूनिट का आ गया। अब स्पेशल प्राइस ऑर्डर को आपको या तो पूरा एक्सेप्ट करना है या पूरा रिजेक्ट करना है। अगर आप पूरा एक्सेप्ट करोगे तो आपको नॉर्मल सेल कम करनी पड़ेगी, कितनी यूनिट कम करनी पड़ेगी, 10,000 यूनिट की नॉर्मल सेल कम करनी पड़ेगी, 10,000 यूनिट की नॉर्मल सेल आपको कम करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल सेल को कम करने से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, मतलब जो कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा वो लेस कर दो, वो भी लेस करना पड़ेगा। वो कब लेस करना पड़ेगा, अगर कैपेसिटी की कमी है तो, कैपेसिटी की कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल सेल कम करनी पड़ी तो वो लेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या लेस करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये लेस करके देख लो बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो ऑर्डर को, नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट कर दो। ये हो गया स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन, स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन। इसको भी अपन ने एग्जाम्पल से समझा था डिटेल में, दो एग्जाम्पल लिए थे अपन ने इसके। अब जो स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन होता है, इसको डिसाइड करते वक्त आपको कुछ अदर फैक्टर भी देखने हैं, कुछ अदर बातें भी देखनी है, चार बातें और देखनी है। बेनिफिट तो देखना है ही, बेनिफिट आ होगा तो ही एक्सेप्ट करोगे, लेकिन चार बातें और देखनी है। क्या क्या देखनी है, एक देखनी है स्टैचुरी कंप्लाइंसेस, आपको देखना है कि उस ऑर्डर के लिए आप जो सारे कंप्लाइंस कर रहे हो या नहीं कर रहे, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, क्या पता वो जो बायर है वो आपसे बिना बिल के मांग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर है या नहीं है ये देखोगे। फॉरन लॉ देखोगे, अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो, मतलब जो बायर है वो बाहर का है, तो आपको क्या देखना है, फॉरन लॉ देखना है कि फॉरन लॉ के अकॉर्डिंग सब वैलिड है या नहीं है, सब कंप्लाइंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और तीसरा, अगर आप कुछ नॉन कंप्लाइंस कर रहे हो तो कितनी पेनल्टी लगेगी, ये भी आपको देखना है, क्योंकि क्या पता बेनिफिट 2 लाख का हो रहा हो और अगर आपने कोई नॉन कंप्लाइंस कर दिया उसकी पेनल्टी 3 लाख की लग रही हो, तो आपका बेनिफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बातें भी देखनी है आपको, क्या क्या देखना है, डॉक्यूमेंटेशन, फॉरन लॉ, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बायर क्रेडिट वर्दीनेस, आपको देखना है कि बायर की कैपेसिटी है क्या खरीदने की, उस बायर की औकात है क्या खरीदने की, आपका सामान खरीदने की, ये देखना है। तो इसके लिए बायर की क्रेडिट वर्दीनेस को आपको प्रॉपर असेसमेंट करना है, क्योंकि वो नया कस्टमर आया आपके पास, तो चेक करना है कि इस बायर की कैपेसिटी है खरीदने की नहीं है, तो प्रॉपर असेसमेंट करना है। आप क्या कर सकते हो, उससे 100% एडवांस ले सकते हो ताकि पता रहे हाँ ये पैसा देने वाला है। या तीसरा केस, अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर है तो आप एलसी कर सकते हो, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो उसके बैंक से, एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो, उसके बैंक से गारंटी ले सकते हो, तो ये होगा बायर क्रेडिट वर्दीनेस। तीसरा काम क्या करना है आपको, इंडस्ट्री एनालिसिस, आपको अपनी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, आपको देखना है आपके जो प्रोडक्ट है उसकी करंट डिमांड क्या है और फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाली है, क्या पता फ्यूचर में डिमांड और कम हो जाएगी तो कैपेसिटी की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या पता फ्यूचर में आपके पास भयंकर डिमांड आने वाली है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, तो करंट और फ्यूचर डिमांड भी आपको देखनी है। और दूसरा क्या देखना है आपको, इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए पोर्टर ने 5 फोर्स दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 में अपन देखेंगे, पोर्टर ने 5 फोर्स दे रखे हैं। एक दे रखा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, कस्टमर, एक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, एक थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और एक राइवलरी अमंग फर्म्स।
तो पांच फोर्स दे रखे हैं, उनका आपको एनालिसिस करना है इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए। और इसके बाद दे रखा है अगला एडिशनल टर्म्स, आपको कुछ एडिशनल टर्म्स देखने हैं कि डिलीवरी वगैरह की क्या टर्म्स हैं, क्या पता आपको डिलीवरी देनी पड़ रही हो, आपको बैंक चार्जेस देखने हैं कि बैंक चार्जेस किसको देने पड़ रहे हैं, और आपको और कोई अदर टर्म लिख रखी है उस बायर ने, वो सब ध्यान से पढ़नी है और उसके बाद डिसाइड करना है। मतलब आपको बेनिफिट के अलावा चार चीज़ें और देखनी है, एक तो स्टैचुरी कंप्लाइंस, दूसरा बायर क्रेडिट वर्दीनेस, तीसरा इंडस्ट्री एनालिसिस और चौथा एडिशनल टर्म्स। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था बायस BIAS, बाय क्रेडिट वर्दीनेस, आई फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, ए फॉर एडिशनल टर्म्स और एस फॉर स्टैचुरी कंप्लाइंस। ये चार चीज़ें आपको और देखनी है स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करते वक्त। अब आ जाओ तीसरा, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हो और आपके पास कैपेसिटी की कमी है, तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाए, तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ये होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। किसकी हेल्प से लिया जाता है, ये की फैक्टर की हेल्प से, की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। अब ये की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन करने का कोई भी फैक्टर, प्रोडक्शन करने का कोई भी रिसोर्स, वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है या मशीन भी हो सकती है। प्रोडक्शन करने का कोई भी रिसोर्स, कोई भी फैक्टर, वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी क्या है कम है, उसे बोलते हैं की फैक्टर। तो की फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसीजन कैसे लोगे, अगर मटेरियल की कमी है, मतलब मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, मान लो मटेरियल आपको चाहिए 5 लाख किलो का और अवेलेबल आपके पास है ओनली 3 लाख किलो का, तो मटेरियल क्या होगा, की फैक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकालना पड़ेगा। अगर लेबर की कमी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर ओवर। अगर मशीन की कमी है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन ओवर, ये आपको निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर देना सभी प्रोडक्ट की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा सभी प्रोडक्ट का, इसको डिवाइड कर देना जिस रिसोर्स की कमी है, मटेरियल लेबर मशीन और जिसकी की भी कमी है उसे डिवाइड कर देना, तीन दोनों की कमी है दो से कर देना, तीन की कमी है तीनों से कर देना, डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन को कैसे डिवाइड कर दोगे, तो की फैक्टर से, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग रैंक अलोकेट कर देना। रैंक कैसे अलोकेट करोगे, जिसका हाईएस्ट आया कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर उसको रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2 और सबसे कम वाले को रैंक 3, इस तरह से आपको रैंक अलोकेट करनी है। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चेक करना है जो जो रिसोर्स दे रखे हैं, मटेरियल लेबर या मशीन, जो भी रिसोर्स दे रखे हैं उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है और अवेलेबिलिटी चेक करनी है, दोनों को कंपेयर करना है कि रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, मतलब चाहिए ज़्यादा और अवेलेबल कम है, तो वो क्या बन जाएगा, की फैक्टर। अब आपने की फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, अब देखना है सिंगल की फैक्टर है या मल्टीपल की फैक्टर। एक ही रिसोर्स की कमी है वो क्या होता है, सिंगल की फैक्टर। खाली मटेरियल की कमी है, सिंगल की फैक्टर। खाली लेबर की कमी है, सिंगल की फैक्टर। खाली मशीन की कमी है, सिंगल की फैक्टर। मटेरियल और लेबर दोनों चीज़ों की कमी है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल की फैक्टर। मटेरियल लेबर मशीन तीनों चीज़ों की कमी है, क्या हो जाएगा, मल्टीपल की फैक्टर। मान लो आप दो तरह का मटेरियल यूज़ करते हो, मटेरियल ए और मटेरियल बी, दोनों मटेरियल की कमी है, बताओ क्या होगा, सिंगल या मल्टीपल, मल्टीपल की फैक्टर। आप दो लेबर यूज़ करते हो, स्किल और अनस्किल, दोनों लेबर की कमी है, क्या होगा, मल्टीपल की फैक्टर। तो सिंगल की फैक्टर मतलब ओनली सिंगल रिसोर्स की कमी है, सिंगल रिसोर्स की कमी है, वो होता है सिंगल की फैक्टर। अब दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो सिंगल या मल्टीपल। सिंगल की फैक्टर में भी दो तरह के क्वेश्चन होंगे, प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है और एक प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, क्या लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा, सभी में से कोई सा भी एक बनाना है, सभी में से कोई सा भी एक। अब प्रोडक्ट मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या निकालो, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर कैसे निकालोगे, ये अपने निकाला था। उसके बाद रैंक अलोकेट कर दो और रैंक के अकॉर्डिंग बना दो, जिसकी रैंक बनाई सबसे पहले उसको बना लो, फिर रैंक 2 वाले को बना लो, फिर रैंक 3 वाले को बना लो, जितना बन जाए उतना बना लो। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, सभी में से कोई सा भी एक बनाना है, इसमें क्या निकालना है आपको, सबसे पहले निकालो कि आप हर प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड, हर प्रोडक्ट की मैक्सिमम कितनी यूनिट बना सकते हो, ये निकाल लो, जितने रिसोर्स है उसमें मैक्सिमम कितनी यूनिट आप तीनों की बना सकते हो। उसके बाद कंपेयर करो उनकी डिमांड कितनी है और मैक्सिमम आप कितनी बना सकते हो, डिमांड के साथ उसको कंपेयर कर लो, किसके साथ, डिमांड के साथ, कि कितना बना सकते हो और कितना बेच सकते हो, इन दोनों को कंपेयर कर लो और दोनों में से क्या ले लो, लोअर। कितना बना सकते हो और कितना बेच सकते हो, दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों में से क्या ले लो, लोअर ले लो। लोअर क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, लोअर ले लो। लोअर के बाद जो लोअर आया उतना आप एक्चुअल में बनाओगे। अब एक्चुअल में बनाओगे आपका आ गया, आप क्या निकाल लो, सभी प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, क्या निकाल लो, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, और जिस प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आया, जिस प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आया वो प्रोडक्ट आप बनाओगे। एक्स का आया तो एक्स बना लोगे, वाई का आया तो वाई बना लोगे, जेड का आया तो जेड बना लोगे। अब आते हैं मल्टीपल की फैक्टर। मल्टीपल की फैक्टर में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो प्रोडक्ट मिक्स बनाना है या सभी में से कोई सा भी एक बनाना है। प्रोडक्ट मिक्स बनाना है तो सबसे पहले क्या निकालो, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालो, सभी के लिए, सभी की फैक्टर के लिए निकालो, सभी के लिए रैंक अलोकेट करो। अगर सभी के लिए सेम रैंक आती है, जैसे मान लो मटेरियल के लिए रैंक आई 1, 2, 3, लेबर के लिए रैंक आई 1, 2, 3, दो की फैक्टर थे दोनों के लिए 1, 2, 3 रैंक आई, तो एज पर रैंक बना दो। लेकिन रैंक सेम नहीं आती, दो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, तो आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से। और अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का क्वेश्चन है
तो इक्वेशन मेथड से, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो कैसे लगेगा, सोल्व इक्वेशन मेथड से। अब दूसरा केस क्या आएगा, सभी में से कोई सा भी एक बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसा आप सिंगल की फैक्टर में करते थे वैसा ही करना है। पहले निकालो कि मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो, फिर कितना बना सकते हो और कितना बेच सकते हो, दोनों को कंपेयर कर लो, जो लोअर आएगा उतना आप एक्चुअल में बनाओगे। तो फिर आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के जिसका हाईएस्ट होगा वो बना लोगे, ये सेम एज सिंगल की फैक्टर हो जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एक नोट और दे रखा था, अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रोडक्ट की मिनिमम डिमांड दे रखी है, आपको बता रखा है कि मिनिमम इस प्रोडक्ट की इतनी यूनिट तो आपको बनानी ही है, तो सबसे पहले आपको मिनिमम यूनिट पूरी बनानी है, मिनिमम डिमांड आपको पूरी करनी है और उसके बाद एज पर रैंक बनाना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई और जेड में से एक्स की आपको मिनिमम 500 यूनिट बनानी है, तो सबसे पहले आपको रैंक वगैरह भूल के सबसे पहले एक्स की 500 यूनिट बनानी है, चाहे एक्स की रैंक 3 हो फिर भी आपको सबसे पहले एक्स की 500 यूनिट बनानी है और उसके बाद एज पर रैंक बनाना है। तो किसी क्वेश्चन में मिनिमम डिमांड दे रखी है तो पहले मिनिमम डिमांड को पूरी करो और उसके बाद एज पर रैंक बना दो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये सब एग्जाम्पल लिए थे अपन ने समझने के लिए, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिए थे सारे के सारे एग्जाम्पल। एक इक्वेशन मेथड कैसे करोगे मैंने बताया था आपको, आप क्या करो देखो कि कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा बार रैंक बनाई है वो आइडेंटिफाई कर लो, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बना लो, फिर बाकी दो जो प्रोडक्ट बच गए, बाकी जो प्रोडक्ट बच गए उन पर इक्वेशन लगा दो, मैंने बता दिया था आपको एग्जाम्पल से समझा भी दिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, एग्जाम्पल अब देख नहीं रहे अपन इसके। अब आ जाते हैं अपन फोर्थ डिसीजन मेकिंग, मेक और बाई या आउटसोर्सिंग डिसीजन। सबसे टेक्निकल डिसीजन मेकिंग होती है मेक और बाई या आउटसोर्सिंग डिसीजन। इसमें आप क्या डिसाइड करते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो या कंपोनेंट बनाते हो उसको घर में बनाया जाए या बाहर से परचेज किया जाए, आपके प्रोडक्ट या कंपोनेंट को घर में बनाया जाए मतलब खुद बनाया जाए या बाहर से परचेज किया जाए आउटसोर्स किया जाए, ये अपन डिसाइड करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन और एक मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन। सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन क्या होता है, आप ओनली एक प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे आप प्लास्टिक बोतल बनाते हो, अब प्लास्टिक बोतल आप खुद बनाते हो, अब प्लास्टिक बोतल को बनाने के लिए चाहिए होता है प्लास्टिक, क्या चाहिए होता है रॉ मटेरियल प्लास्टिक, तो उस प्लास्टिक को उस कंपोनेंट प्लास्टिक को उस मटेरियल प्लास्टिक को आप खुद बनाओ या उसको बाहर से परचेज करो, उस प्लास्टिक को आप खुद बना लो या बाहर से परचेज करो, ये होता है सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन। इसमें कभी भी कैपेसिटी की कमी नहीं होती, क्योंकि आप क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है तभी तो सोच रहे हो, आप प्लास्टिक बोतल तो खुद बनाते हो, प्लास्टिक आप अभी बाहर से खरीदते थे, आपने सोचा कैपेसिटी काफ़ी सारी अवेलेबल है तो आपने क्या सोचा कि प्लास्टिक को खुद बनाएं या बाहर से परचेज करें। तो सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए होता है जो मटेरियल चाहिए होता है उसके बारे में अपन डिसाइड करते हैं कि उसको खुद को उसको भी खुद बना लें या बाहर से परचेज करें, कि उसको भी खुद बना लें या बाहर से परचेज करें, इसमें कभी भी कैपेसिटी की कमी नहीं होगी। दूसरा केस क्या होता है, आप तीन चार प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे आप पेन बनाते हो, पेंसिल बनाते हो, मार्कर बनाते हो, हाइलाइटर बनाते हो, चार प्रोडक्ट बनाते हो मान लो, और आपके पास कैपेसिटी की कमी है, आपके पास रिसोर्स की कमी है, तो मटेरियल की कमी है या लेबर की कमी है या मशीन वगैरह की कमी है, तो आप तीन चार प्रोडक्ट बनाते हो और आपके पास कैपेसिटी की कमी है, आपके पास रिसोर्स की कमी है, तो कौन सा प्रोडक्ट घर में बनाए और कौन सा आउटसोर्स करें, ये होता है मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंगल कंपोनेंट एक मोर देन वन प्रोडक्ट, समझ गए आप। सिंगल कंपोनेंट में आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसके बारे में डिसीजन लेते हो, और वन प्रोडक्ट में मोर देन वन प्रोडक्ट में आप तीन चार प्रोडक्ट बनाते हो और आपके पास कैपेसिटी की कमी होती है, तो कौन सा प्रोडक्ट घर में बनाएं और कौन सा बाहर से खरीदें, ये अपन डिसाइड करते हैं। सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मेकिंग की कॉस्ट निकालनी है और बाइंग की कॉस्ट निकालनी है, घर में बनाने की कॉस्ट निकालनी है और बाहर से परचेज करने की कॉस्ट निकालनी है। मेकिंग की कॉस्ट क्या होगी, तीन होगी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट और तीसरी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, मान लो आप प्लास्टिक बाहर से परचेज करते थे, प्लास्टिक बोतल बनाने के लिए जो प्लास्टिक चाहिए होता था बाहर से परचेज करते थे, अब आपने घर में बनाने का सोचा, तो घर में बनाने का सोचा तो आपके घर में मतलब आपकी फैक्ट्री में एक रूम था जिसको आपने रेंट पे दे रखा था, अब घर में बनाओगे तो आपको वो रूम खाली करवाना पड़ेगा, तो आपका रेंट फॉरगो हो जाएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेकिंग, घर में बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, तो ये हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेकिंग। तो तीन कॉस्ट होंगी घर में बनाने की, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग। अब बाहर से परचेज करने की कॉस्ट क्या होंगी, दो होंगी, एक तो परचेज प्राइस कितने में परचेज हो रहा है, और क्वेश्चन में कोई फ्रेट वगैरह दे रखा है आपको, एनी अदर कॉस्ट फ्रेट वगैरह दे रखा है तो वो ऐड कर देना, फ्रेट वगैरह दे रखा है तो। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकाल ली, कॉस्ट ऑफ बाइंग निकाल ली, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, अगर बाइंग की कॉस्ट लोअर है मतलब परचेज प्राइस लोअर है तो बाई कर लोगे, और अगर मेकिंग की कॉस्ट लोअर आ रही है तो आप बाहर से मतलब घर में बना लोगे, जो भी लोअर आएगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे, इसका भी अपने एग्जांपल लिया था। दूसरा केस, आप तीन चार प्रोडक्ट बनाते हो और आपके पास रिसोर्स की कमी है, तो कौन सा घर में बनाए और कौन सा बाहर से परचेज करें, ये अपन डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या निकालो आप, सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, क्या निकालो, सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। कैसे निकालोगे, बाहर से कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है, मान लो चार प्रोडक्ट हैं ए बी और सी, ए बी सी और डी, तो बाहर से बाहर जो आउटसाइड प्राइस है या बाहर की जो परचेज प्राइस वो क्या है चारों की, वो लिख लो, उसमें से लेस कर दो, घर में बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, घर में बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी चारों की, वो लेस कर दो, जितने भी प्रोडक्ट हैं तीन चार पाँच जितने भी हैं उसकी,
क्या आ जाएगी आपकी सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। मान लो किसी प्रोडक्ट की सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव आ जाती है, मतलब उसकी आउटसाइड प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, मतलब उसकी बाहर खरीदने वाली प्राइस जो वेरिएबल कॉस्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग उससे भी कम है, तो ऐसे प्रोडक्ट को तो आपको बिना देखे क्या करना है, पूरा का पूरा आउटसोर्स करना है। जैसे मान लो डी की नेगेटिव आ गई सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, तो डी को तो आपको पूरा का पूरा आउटसोर्स करना है। डी की जितनी भी यूनिट है पूरी की पूरी यूनिट आपको क्या करनी है, बाहर से खरीदनी है, क्योंकि बाहर काफ़ी सस्ता पड़ रहा है आपको। ये हो गया पहला क्लियर। अब क्या निकालो, की फैक्टर पर यूनिट, जिस रिसोर्स की कमी है वो पर यूनिट निकाल लो बाकी बचे हुए प्रोडक्ट के लिए। डी का डिसीजन तो हो चुका खत्म, क्योंकि डी का क्या आ रहा है, सेविंग नेगेटिव आ रही है, डी की आउटसाइड प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, डी की सेविंग नेगेटिव आ रही है, तो डी को तो पूरा आउटसोर्स कर दिया। अब ए बी और सी का क्या निकाल लो, की फैक्टर पर यूनिट, जो भी आप रिसोर्स की कमी है मटेरियल लेबर या मशीन वगैरह वो पर यूनिट निकाल लो, दे रखा होगा वैसे, नहीं दे रखा तो निकाल लो। फिर स्टेप थ्री में आपको निकालना है सेविंग्स पर की फैक्टर। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में अपन निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, यहाँ क्या निकालना है आपको, सेविंग्स पर की फैक्टर। कैसे निकालोगे, स्टेप वन डिवाइड बाई स्टेप टू आपका आ जाएगा सेविंग्स पर की फैक्टर, मतलब सेविंग्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट डिवाइड बाई की फैक्टर पर यूनिट आपका आ जाएगा सेविंग्स पर की फैक्टर। रिमेनिंग प्रोडक्ट का निकालना है जिसको आउटसोर्स कर दिया उसका नहीं करना है। अब आ जाओ स्टेप फोर में, अब आप रैंक एलोकेट कर दो, जिसकी सेविंग ज़्यादा आई सबसे पहले उसको रैंक वन, उससे कम वाले को रैंक टू और सबसे कम वाले को रैंक थ्री। अब जिसकी रैंक वन आई सबसे पहले उसको बना लो, फिर रैंक टू वाले को बना लो जितना बन जाए, और बाकी सबको आउटसोर्स कर दो। पहले रैंक वन वाले को बना लो, फिर रैंक टू वाले को बना लो, फिर रैंक थ्री वाले को बना लो जितना भी बन जाए, और बाकी जितना बच जाता है वो पूरा आउटसोर्स कर दो। सबसे पहले रैंक वन बना लो, फिर रैंक टू बना लो, फिर रैंक थ्री बना लो जितना बन जाए, और बाकी जितना भी बच जाता है आउटसोर्स कर दो। और पहले एक आउटसोर्स कर ही चुके अपन जिसकी नेगेटिव आई थी, तो इस तरह से आपको डिसीजन लेना है। अब इसमें एक नोट दे रखा था, नोट क्या दे रखा था, कोई ऐसा प्रोडक्ट है मान लो जो बाहर अवेलेबल ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है मान लो जो बाहर अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले उसको बनाना है, रैंक वगैरह भूल के सबसे पहले आपको उसको बनाना है। जैसे मान लो इस एग्जांपल में प्रोडक्ट सी ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर अवेलेबल ही नहीं है, तो ना तो इसकी स्टेप वन कैलकुलेट हो पाएगी, ना स्टेप टू कैलकुलेट हो पाएगी, ना स्टेप थ्री कैलकुलेट हो पाएगी, मतलब कुछ कैलकुलेट नहीं हो पाएगा इसका। तो सबसे पहले आपको रैंक वगैरह भूल के सबसे पहले क्या बनाना है, सी बनाना है, और उसके बाद रैंक लगानी है। सबसे पहले आपको सी बनाना है, फिर रैंक लगानी है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर अवेलेबल ही नहीं है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को आपको बनाना है, उसके बाद बाकी प्रोडक्ट में आपको ये प्रोसेस लगाना है। समझ गए, ये भी ये नोट था, ये अपन ने इसका एग्जांपल किया था इसको समझने के लिए। अब आ जाओ जो मेक और बाय डिसीजन होता है, इसमें आप कुछ अदर फैक्टर भी कंसीडर करने होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर भी आपको कंसीडर करने होते हैं, कुछ अदर फैक्टर भी आपको देखने होते हैं। ये नवंबर 19 में इसका क्वेश्चन भी आया था। अब क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो पांच पॉइंट और देखने होते हैं आपको। एक क्वालिटी ऑफ गुड्स देखना होता है कि घर में बनाने में क्वालिटी कैसी आएगी, बाहर से परचेज करने में कैसे आएगी। बेनिफिट तो देखना है ही, बेनिफिट है वही करेंगे, लेकिन ये पाँच बातें और देखनी है, क्वालिटी घर में बनाने में क्वालिटी कैसे आएगी और बाहर से परचेज करने में क्वालिटी कैसे आएगी। दूसरा, सप्लाई की रिलायबिलिटी चेक करनी है कि सप्लायर आपको क्वालिटी का माल देगा और टाइम पर डिलीवरी देगा या नहीं देगा, बाहर वाला जो पर्सन है वो आपको टाइम पर डिलीवरी देगा या नहीं देगा, ये भी आपको देखना है। तीसरा, आपको देखना है आपके पास सफिशिएंट लेबर और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, आपको हवा में डिसीजन नहीं लेना, पहले चेक करना है लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखना है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। मान लो बहुत कम डिमांड रहती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बाहर से खरीद लो, थोड़ा सा बनाओगे दुखी होगे फालतू में, तो अगर सीजनल डिमांड है तो बाहर से खरीद लो, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी आपको देखनी है। और पांचवा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसेस। मान लो आप जो घर में बनाते हो तो उसमें कुछ प्रोसेस फॉलो करते हो जो कॉन्फिडेंशियल है, अगर आप बाहर से परचेज करना चाहते हो उस चीज़ को, तो आपको सप्लायर के साथ वो प्रोसेस शेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि वो प्रोसेस शेयर करना गलत है, तो आप घर में बनाना फ़ायदेमंद आपके लिए। तो ये पाँच पॉइंट देखते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, डिमांड रेगुलरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसेस। याद कैसे करोगे, क्यू कार्ड, क्यू फॉर क्वालिटी, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ए फॉर अवेलेबिलिटी, R फॉर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर और D फॉर डिमांड रेगुलरिटी, क्यू कार्ट। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू शट डाउन डिसीजन, कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू शट डाउन डिसीजन लास्ट डिसीजन मेकिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के बेस पे। पहला केस क्या है, टेम्पोररी शट डाउन ऑफ बिजनेस, मंदी का पीरियड आने वाला है या रिसेशन का पीरियड आने वाला है, तो आपने क्या सोचा कि कुछ महीनों के लिए विद इन वन ईयर, मैक्सिमम वन ईयर के लिए आप बिजनेस बंद कर दें, क्योंकि मंदी का पीरियड आने वाला है। तो बिजनेस को बंद करना फायदेमंद है या कंटिन्यू करना फायदेमंद है, ये निकालेंगे। कैसे निकालोगे, शटडाउन पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, शटडाउन करने के फायदे माइनस शटडाउन करने के नुकसान डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। शटडाउन करने के फायदे क्या होंगे, दो फायदे होंगे, एक तो कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट होगी जो शटडाउन के कारण नहीं लगेगी, एक तो वो ले लो। दूसरा, शटडाउन करने से अपॉर्चुनिटी गेन होगा। कैसे गेन होगा, आप शटडाउन कर दोगे तो आप अपना दिमाग कहीं और लगाओगे, कहीं और प्रॉफिट कमाओगे, या आप जॉब वगैरह कराओगे वहाँ प्रॉफिट कमाओगे। तो एक तो ऐसे फिक्स कॉस्ट ले लो जो शटडाउन करने के कारण बच जाएगी आपकी, जैसे शटडाउन करके आप लेबर निकाल दोगे तो लेबर की फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, शटडाउन करने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो फिक्स कॉस्ट आती थी वो बच जाएगी, शटडाउन करने से
मान लो आपकी और भी कोई स्पेशल कॉस्ट आती थी, मशीनों की कॉस्ट आती थी, वो बच जाएगी। तो जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है शटडाउन के कारण, वो ले लो, एक एक अपॉर्चुनिटी गेन ले लो, इसमें से लेस कर दो शटडाउन करने के नुकसान। दो नुकसान होंगे, तो शटडाउन करने की कॉस्ट आएगी, एक उसको फिर से रीओपन करने की कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री को शटडाउन करने की भी कॉस्ट आएगी, क्योंकि आपको लेबर को कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। इसके अलावा मशीन, बड़ी बड़ी मशीन बंद करोगे तो उसकी भी कॉस्ट आती है, और फिर से रीओपन करने की भी कॉस्ट आएगी, आपको लीगल कंप्लाइंस वगैरह करने पड़ेंगे। तो शटडाउन करने के फायदे माइनस शटडाउन करने के नुकसान लेस कर दो, डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो से। यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, वैल्यू में निकालना है तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा शटडाउन पॉइंट। अब आपको लगता है कि आपकी जो सेल है वो शटडाउन पॉइंट से ज़्यादा होगी, आपको लगता है अगर आपकी सेल शटडाउन पॉइंट तक होगी, मान लो शटडाउन पॉइंट आया 10,000 यूनिट, और आपको लगता है आपकी सेल 10,000 यूनिट तक होगी मैक्सिमम, तो शटडाउन कर दो। और अगर आपको लगता है आपकी सेल शटडाउन पॉइंट से ज़्यादा होगी, शटडाउन पॉइंट आया 10,000 यूनिट, आपको लगता है आपकी सेल 10,000 यूनिट से ज़्यादा होगी, 10,000 वन यूनिट होगी, 15,000 यूनिट होगी, 20,000 यूनिट होगी, ऐसा लगता है आपको, तो कंटिन्यू कर लो। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड सेल आपकी कितनी होती है शटडाउन पॉइंट तक है आपको लगता है, तो शटडाउन कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी सेल शटडाउन पॉइंट से ज़्यादा होगी, तो कंटिन्यू कर लो। इस तरह से डिसीजन मेकिंग करोगे। अब इसमें एक काम और करना है, इतना सा नहीं करना है, इसमें आपको एनालिसिस और करना है और वेरिफिकेशन करना है। इस वाले क्वेश्चन में शटडाउन वाले पॉइंट वाले को जो केस वन है ना, केस वन, इसमें आपको हमेशा एनालिसिस करना है और उसका वेरिफिकेशन करना है। कैसे करोगे? आपको नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है दोनों सिचुएशन में, शटडाउन के केस में और कंटिन्यू के केस में, और उसको एनालिसिस करना है। शटडाउन के केस में और कंटिन्यू के केस में आपको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप खाली शटडाउन पॉइंट ही निकालोगे तो आधे नंबर मिलेंगे, और एनालिसिस और वेरिफिकेशन भी कर दोगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 8 के 8 नंबर मिलेंगे आपको। ये और करना है आपको। ये था केस वन। अब आ जाते हैं अपने केस टू पे। अपने क्वेश्चन भी किया था इसका, एग्जाम्पल भी किया था। अब केस टू, ये क्या है? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट या डिवीजन। यहाँ पे मैंने एक वर्ड मिस कर दिया था, वो लिख लो, डिवीजन। आपके मान लो तीन चार प्रोडक्ट है या तीन चार डिवीजन है, मान लो तीन प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट ए बी और सी, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं डिवीजन भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट सी ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा आपको, या डिवीजन सी आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा, लॉस दे रहा है, तो आप सोच रहे हो उस डिवीजन सी को बंद कर दे, वो जो प्रोडक्ट सी है या डिवीजन सी है उसको बंद कर दे या कंटिन्यू रखे, ये डिसाइड करेंगे अपन। प्रोडक्ट आपके तीन प्रोडक्ट है मान लो, प्रोडक्ट सी आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा, तो प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू रखे या बंद कर दे, ये अपन यहाँ डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या निकालना है? बंद करने के फायदे, बंद करने से जो सेविंग होगी वो निकाल लो, और बंद करने से जो लॉस होंगे वो निकाल लो। बंद करने की सेविंग निकाल लो, बंद करने के नुकसान निकाल लो। बंद करने से सेविंग क्या होगी? दो सेविंग होगी। एक तो उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए कुछ स्पेशल फिक्स कॉस्ट लग रही है। मान लो आपको प्रोडक्ट सी बनाने के लिए एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है, तो सुपरवाइजर को आप निकाल दोगे तो वो फायदा हो जाएगा। एक तो बंद करने का फायदा क्या होगा? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, एक फायदा तो वो हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा? अपॉर्चुनिटी गेन ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस। आप प्रोडक्ट सी को बंद करके प्रोडक्ट डी स्टार्ट कर दोगे, तो प्रोडक्ट डी से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या है? गेन है। तो दो गेन हो जाएंगे आपके। अब बंद करने के नुकसान क्या होंगे? दो नुकसान होंगे। प्रोडक्ट सी को बंद कर दोगे, प्रोडक्ट सी आपको कुछ तो कमा के दे रहा होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन तो आपको कमा के दे रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, कुछ कंट्रीब्यूशन तो कमा के दे रहा होगा, वो कंट्रीब्यूशन का लॉस हो जाएगा। एक तो वो फायदा, एक तो वो नुकसान। वो कंट्रीब्यूशन जो मान लो 5,000 रुपये कमा के देता था प्रोडक्ट सी, तो 5,000 का नुकसान हो जाएगा आपके। या मान लो डिवीजन सी आपको 5,000 रुपये कमा के देता था, तो 5,000 का वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बंद ही कर दोगे तो 5,000 रुपये भी कमा के नहीं देगा, तो 5,000 का वो नुकसान हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन का लॉस। दूसरा लॉस क्या होगा? प्रोडक्ट सी को बंद करने के चक्कर में आपकी प्रोडक्ट ए की सेल कम हो गई। कुछ कस्टमर प्रोडक्ट सी के साथ ए भी खरीदते, ए के साथ सी खरीदते थे, अब प्रोडक्ट सी को बंद कर दिया तो ए की सेल भी कम हो गई, ए वाले कस्टमर कहीं और चले गए, तो वो दूसरा लॉस भी हो सकता है कि दूसरे प्रोडक्ट की सेल कम हो गई, तो ये लॉस हो सकता है। तो दो फायदे हो सकते हैं, दो गेन हो सकते हैं, दो नुकसान हो सकते हैं और दो फायदे हो सकते हैं। कंपेयर करो, अगर बंद करने की सेविंग ज़्यादा है तो बंद कर दो, और बंद करने के नुकसान ज़्यादा हैं तो कंटिन्यू रखो। अगर गेन ज़्यादा है बंद करने का तो बंद कर दो, और बंद करने से नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं तो कंटिन्यू रख लो। ये आपको करना है। ये इसके भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। अगला था लास्ट प्रैक्टिकल टॉपिक इस चैप्टर का, सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर। जो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ सीवीपी एनालिसिस कैसे करोगे? तो जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वहाँ क्या होता है, वो जो कॉस्ट यूनिट होती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से डिफर होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो आपको आपके पास प्रोडक्ट्स की यूनिट होती है, आप आराम से कॉस्ट निकाल लेते हो। सर्विस सेक्टर में कैसे करोगे? तो सर्विस सेक्टर में कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, उसका तरीका बता रखा है। सबसे पहले आप टोटल एक्सपेंस निकालो स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब एक महीना भी हो सकता है, दो महीना भी, जितना भी दे रखा है क्वेश्चन में वो हो सकता है। लेकिन नहीं दे रखा तो आपको हमेशा क्या लेना है? वन ईयर लेना है। और 99% क्वेश्चन में क्या होता है? वन ईयर ही होता है। तो टोटल एक्सपेंस निकाल लो एक साल के, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो सेम पीरियड, मतलब एक साल की नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो। टोटल एक्सपेंस निकाल लो एक साल के, नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो एक साल के। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ यूनिट, वो यहाँ बता रखी है। अगर होटल या हॉस्पिटल इंडस्ट्री है तो आपको निकालना पड़ेगा या तो रूम डेज या बेड डेज। अभी रूम डेज या बेड डेज कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रूम्स या बेड इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट। दूसरा सिनेमा या थिएटर है तो आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ सीट्स इंटू नंबर ऑफ शो पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी रेट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है तो आपको निकालना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सीट्स लोगे पैसेंजर की, ड्राइवर वगैरह की नहीं लोगे, ड्राइवर कंडक्टर की नहीं लेनी, ओनली पैसेंजर की सीट लोगे, इंटू डिस्टेंस इंटू ऑक्यूपेंसी रेट।
गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो आपको निकालना पड़ेगा टन किलोमीटर। कैसे निकालोगे? वेट इंटू डिस्टेंस। इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगी। अब आप निकाल लो कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालोगे? स्टेप वन डिवाइड बाई स्टेप टू, टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट। टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सर्विस आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। अब आप निकाल सकते हो हायर पर यूनिट, टेकिंग पर यूनिट, फेयर पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं बोलते, सेलिंग प्राइस अपन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग में। टेकिंग हायर फेयर पर यूनिट, टेकिंग हायर फेयर पर यूनिट निकालो। कैसे निकालोगे? कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लो, ये आपका आ जाएगा टेकिंग हायर फेयर पर यूनिट। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट निकालना आपको किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, एक होटल का प्रॉफिट निकालना है या एक हॉस्पिटल का प्रॉफिट निकालना है या एक सीए फर्म का आपको प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू ले लो, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे आप मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री का निकालते थे ना मार्जिनल कॉस्ट शीट की तरह, वैसा ही आपको करना है। सेम वैसा का वैसा आपको बनाना है, अलग नहीं बनाना। अलग बनाओगे तो आधे नंबर मिलेंगे और इस तरह से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी अपन प्रॉफिट ऐसे ही निकालते थे, सर्विस इंडस्ट्री का भी प्रॉफिट आपको ऐसे ही निकालना है, कुछ अलग नहीं करना। इसका भी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था। अब लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग। अभी तक अपने डिसीजन मेकिंग में क्या देखा? फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जहाँ जहाँ बेनिफिट था उसको एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ बेनिफिट नहीं आया, जहाँ लॉस आया उसको रिजेक्ट कर दिया। ओनली फाइनेंशियल कंसिडरेशन देखा, ओनली पैसा देखा अपन ने। लेकिन अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है और अगर आपको अपने बेनिफिट को, अपने फायदे को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, मतलब लंबे समय के लिए सस्टेन करना है, तो आपको कुछ और बातें भी देखनी पड़ेंगी, कुछ नॉन फाइनेंशियल बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ नॉन फाइनेंशियल बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपको अपने बेनिफिट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आपको अपने बेनिफिट को सस्टेन करना है तो आपको कुछ और बातें भी देखनी पड़ेंगी। तो जो आज का ज़माना है, आज के ज़माने में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मॉरल ड्यूटी क्या है? कि वो सभी स्टेक होल्डर्स की केयर करें, सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करें, ना खाली ना बल्कि ऐसा नहीं कि खाली ओनर को सेटिस्फाई करें, मतलब खाली प्रॉफिट नहीं देखना आपको, सभी स्टेक होल्डर्स को आपको सेटिस्फाई करना है। मतलब कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, गवर्नमेंट को भी करना है, एम्प्लॉयज़ को भी करना है, सप्लायर को भी करना है, सोसाइटी वालों को भी करना है, खाली ओनर्स को नहीं करना। खाली आपको बेनिफिट नहीं देखना, आपको पांच लोग और हैं उन पांच लोगों को भी क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। ये बोलता है आज का ज़माना। आज के ज़माने में अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपने प्रॉफिट को सस्टेन करना है तो आपको सभी को सेटिस्फाई करके रखना है। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। एक पर्सन था मिस्टर ए, मिस्टर ए सीए बन गया था। उसके पास दो पैकेज के ऑप्शन थे, एक तो जयपुर का था वो पर्सन, मिस्टर ए जयपुर का था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो आसाम चला जाए, आसाम में उसको पैकेज मिल रहा था 14 लैक्स का, या वो जयपुर में ही काम कर ले, जयपुर में उसको पैकेज मिल रहा था 7 लैक्स का। तो फाइनेंशियली तो क्या बेटर है? आसाम जाना बेटर है, 14 लैक्स डबल पैकेज मिल रहा है। लेकिन उसको नॉन फाइनेंशियल बातें भी देखनी पड़ेंगी। नॉन फाइनेंशियल बातें क्या हो जाएंगी? कि वो अगर आसाम जाता है तो उसको वहीं का खाना खाना पड़ेगा, घर का खाना नहीं मिलेगा। दूसरा लॉस क्या होगा? वो घर वालों से नहीं मिल सकता रोजाना, घर वालों के साथ नहीं रह पाएगा। घर वालों के साथ वो साल में एक दो बार मिल सकता है, क्योंकि आसाम रहेगा तो एक दो बार ही आ पाएगा जयपुर। तीसरा नुकसान क्या हो जाएगा? उसके फ्रेंड्स सारे जयपुर के हैं, उनसे उसकी दूरी हो जाएगी। चौथा नुकसान क्या हो जाएगा? उसकी प्रेमिका मान लो जयपुर की है, उससे भी उसकी दूरी हो जाएगी। तो सारे नुकसान उसको हो जाएंगे नॉन फाइनेंशियली। तो उसको खाली फाइनेंशियल नहीं देखना। अगर वो खाली फाइनेंशियल देखता है, खाली पैसा देखता है, तो शॉर्ट रन में तो चलो अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा वो, लेकिन लॉन्ग रन में वो दुखी हो जाएगा, लॉन्ग रन में वो अपनी लाइफ से दुखी हो जाएगा। और अगर वो फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल बातें भी देखता है तो उसका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक क्या होगा? सस्टेन करेगा। तो इस कारण अपन को नॉन फाइनेंशियल बातें भी देखनी है। क्या क्या देखनी है नॉन फाइनेंशियल बातें, वो देख लेते हैं अपन एक बार। टोटल 8 पॉइंट थे, इसकी केस स्टडी भी की थी अपन ने। पहला है गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपको गवर्नमेंट रेगुलेशन देखनी है, जो आप डिसीजन ले रहे हो उसकी सारी रेगुलेशन फॉलो हो रही है नहीं फॉलो हो रही, अगर आप ये देखते हो तो आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। दूसरा आपको एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन भी देखना है। तीसरा आपको क्वालिटी देखनी है। चौथा आपको देखना है सीएसआर, कि आप सोसाइटी और एनवायरमेंट वाले आपसे खुश हैं या दुखी हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद आपको देखना है उस डिसीजन के लिए, उस डिसीजन को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, मतलब मटेरियल, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना है, कि आपके डिसीजन के कारण कस्टमर दुखी तो नहीं हो रहा। इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने हैं, कि आपके डिसीजन के कारण एनवायरमेंट खराब तो नहीं हो रहा, पोल्यूशन वगैरह तो नहीं फैल रहा। अगर आप ऐसा हो जाएगा तो एनवायरमेंट वाले जो होते हैं लोग, वो प्रोटेस्ट कर देंगे आपके अगेंस्ट में। और लास्ट आपको क्या देखना है? ह्यूमैनिटी वैल्यूज और बिजनेस एथिक्स भी देखने हैं, कि आपने अपने डिसीजन में बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया है या नहीं किया, आपने अनएथिकल बिहेवियर तो नहीं किया। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था। GEQ CACHE। तो अगर आप ये सारे पॉइंट देख लोगे तो इससे क्या होगा? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगी, अगर ये पॉइंट देखोगे तो। ये नहीं देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म रहेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी? कुछ समय के लिए रहेगी। और ये पॉइंट भी कवर कर लोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी? लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगी। तो इन पॉइंट को कंसिडर करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे? एक तो आप बैड पब्लिसिटी को अवॉइड कर पाओगे, अपनी ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट कर पाओगे, एक अपने अगेंस्ट में लीगल एक्शंस को रोक पाओगे, और अगर आपका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो अगर एथिकल हो जाता है
तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी रहेगी, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रह पाएंगे, सेटिस्फाइड रह पाएंगे। ये कुछ बेनिफिट है जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे थे जो मैंने कवर कर लिए। तो ये था चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग, पूरा मैंने आपको करवा दिया कवर। एक बार अपन मॉड्यूल देख लेते हैं, मॉड्यूल में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देख लेते हैं एक बार अपन। डिसीजन मेकिंग चैप्टर नंबर 6, 20 मार्क्स का इसका वेटेज है, मिनिमम वेटेज 20 मार्क्स का है इसका, ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन मिनिमम 20 मार्क्स का तो ये चैप्टर आता ही है हमेशा। देखो इसमें एक तो अपन ने CVP एनालिसिस पढ़ा था, एक डिसीजन मेकिंग देखी थी, आउटसोर्सिंग डिसीजन, सेल और फर्दर प्रोसेसिंग, मिनिमम प्राइसिंग मतलब होता है ये रेलिवेंट कॉस्ट निकालते ना अपन, वो उसको मिनिमम प्राइसिंग बोल रखा है यहाँ पे, मिनिमम प्राइसिंग बोल रखा है उसको, कि आप उसमें क्या निकालते हो, मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, वही रेलिवेंट कॉस्ट है। एक कीप और ड्रॉप डिसीजन देखा था, मतलब कीप और ड्रॉप वही शट डाउन कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, इस इन्होंने यहाँ कीप और ड्रॉप लिख दिया उसको। एक स्पेशल प्राइस ऑर्डर देखा था, एक प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन देखा था, एक एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन देखे थे। तो ये चीज़ें देखी थी अपन ने, एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा CVP एनालिसिस बेसिक, इन्होंने सबसे पहले बता रखा है CVP एनालिसिस, जो अपन ने बेसिक देखा था ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो यहाँ नहीं दे रखा। वो इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम कर रखा है कि आपने वो सी एंटर में सीख लिया, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं दे रखा, तो अपन को तो पढ़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपका सी एंटर में क्या हाल था। तो सी एंटर में अपन बस फॉर्मूले याद कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं चल सकता। तो मैंने वो आपको बेसिक पढ़ा दिया, इस चैप्टर में नहीं मिलेगा वो बेसिक आपको, जो हिस्टोरिकल कोर्स था, अपॉर्चुनिटी कोर्स का बेसिक था, फिक्स कोर्स का जो बेसिक था, वो इसमें नहीं मिलेगा। तो CVP एनालिसिस अपन ने देख लिया, इसके बाद एक एक्टिविटी बेस्ड CVP कोस्टिंग देखा था, जिसका फॉर्मूला वगैरह देखा था अपन ने। इसके बाद अपन ने CVP एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर, CVP एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर देखा था, ये बस वाला क्वेश्चन भी किया था अपन ने, याद हो तो आपको। अब डिसीजन मेकिंग देखी थी अपने, CVP एनालिसिस देख के अपने क्या देखी थी डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले इन्होंने क्या देख लिया, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्होंने सबसे पहले दे दिए, ये अपने सबसे लास्ट में देखा था नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, वो पॉइंट्स यहाँ कवर कर रखे हैं इन्होंने। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है जो अपने किया था, हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन। अब देखो डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो गई, सबसे एक इन्होंने दे दिया सबसे पहले आउटसोर्सिंग डिसीजन, आउटसोर्सिंग मतलब मेक और बाई वाला, ये इन्होंने दिया। इसका एक क्वेश्चन दे रखा था जो क्वेश्चन अपन ने किया था, ये क्वेश्चन सारे अपन कर चुके, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दे रखा है उसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ये वाले भी अवेलेबल हैं, RTP के भी हैं, पास्ट एग्जाम्स के भी हैं, पुराने PM के जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो सब हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन है उसके, आपको बाहर उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं देखना आपको। सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन देखा था, इसका भी क्वेश्चन जो अपन को दे रखा है मॉड्यूल में, ये क्वेश्चन भी अपन ने किया था। इसके बाद एक मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, ये वो रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक है, रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक है ये, वो अपन ने देखा था। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक के अपन ने। एक अपन ने देखा था शट डाउन कंटिन्यू वाला, कीप और ड्रॉप, क्या नाम दे रखा है यहाँ पे, कीप और ड्रॉप, ये अपन ने देखा था। इसके बाद स्पेशल ऑर्डर, यहाँ स्पेशल प्राइस ऑर्डर है, ये स्पेशल प्राइस ऑर्डर, स्पेशल प्राइस ऑर्डर, तो स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन अपने देखा था। इसके बाद दे रखा है इसमें स्पेशल प्राइस के बाद प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये भी अपने देखा था। बस ये सारे डिसीजन मेकिंग दे रखी है, ये चैप्टर अपने देखा था, इसके सारे क्वेश्चन किए थे, टेस्ट यू नॉलेज में जो क्वेश्चन है वो भी अपने सारे कर लिए थे, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं टेस्ट यू नॉलेज में अपने वो सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये था ये चैप्टर जो आपको इस मॉड्यूल में दे रखा था, 64 पेज का, जो अपन ने पूरा कवर कर लिया, 5 डिसीजन मेकिंग प्लस एक ही है, टोटल 6 डिसीजन मेकिंग देखी है अपन ने, एक रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक और 5 मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक के बेस पे। CVP एनालिसिस देखा, उसका बेसिक देखा अपन ने, इसके अलावा CVP एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर देखा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का CVP एनालिसिस देखा, तो ये अपने पूरा इसमें देखा था, और एक एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन अपने इसमें देखा था, एक एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन अपने इसमें देखा था। ये सारी चीज़ें अपने इसमें देखी थी इस चैप्टर के अंदर, इन्होंने ऊपर नीचे दे रखी है, अपन ने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको देखा, पहले बेसिक देखा अपन ने, फिर उसके बाद रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक, फिर बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के 5 टेक्निक, 5 डिसीजन मेकिंग टेक्निक, उसके बाद CVP एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर, और लास्ट में अपने देखा एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, ये चीज़ें देखी। तो इसमें टोटल 6 डिसीजन मेकिंग है, एक रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक, 5 मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक के बेस पे, और एक सर्विस सेक्टर का एनालिसिस है, और एक है एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, ये इस चैप्टर में है। 20 मार्क्स का मिनिमम इस चैप्टर का वेटेज है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना। मैंने सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क करवा दिए थे, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे जो सिमिलर क्वेश्चन थे, बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।